अमूल्य विरासत की तरफ से ये कहकशां हमने जो एक नई श्रृंखला शुरू की है, अ गैलेक्सी ऑफ इमॉर्टल मास्टर्स एंड इमॉर्टल मास्टरी, उस सिलसिले में हम पहले से भी ऐसे लेजेंड्स और इमॉर्टल ग्रेट्स को कवर करते आए हैं, पर कहकशां नाम हमने उससे आज से दिया है। तो आज हम जिन संगीतकार पर, जिन अद्भुत अनोखे संगीतकार पर फोकस करेंगे और जिनसे मिलने की कोशिश करेंगे उनके काम के जरिए और उनकी जिंदगी के जरिए, उनका नाम आप सभी बखूबी जानते हैं, जयदेव। और जयदेव यानी जयदेव वर्मा, जिनका पूरा नाम था मूलतः, लेकिन फिल्म जगत में हम उन्हें जयदेव के नाम से सामान्यतः जानते हैं। बहुत सरल स्वभाव के स्वामी और एक जहीन इंसान, एक ऐसे कलाकार। हाँ, मैं स्वागत आप सभी का कर दूं, फेसबुक पे भी जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जूम पे जो साथी हम सबके साथ हैं, उनका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। मेरी नजरों में जयदेव एक पोएटिक म्यूजिशियन रहे, एक ऐसे संगीतकार जिनके अंदर कवि होने की पूरी प्रतिभा थी, और चाहे उन्होंने कलम से कविताएं नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने अपने संगीत को बहुत काव्य में रखा, और इसके जरिए हुआ ये कि उन्होंने अद्भुत रूप से कविता को और शायरी को सुरों में बांधा, जब तो उस कविता का या उस शायरी का जो अंतर्निहित मूल तत्व था, जो उसकी गहराई थी, जो उसकी खूबसूरती थी, वो बहुत बहुत ही कमाल के तरीके से उभर के आती है। और ये कहना मुनासिब होगा कि जयदेव उन विरले संगीतकारों में से एक हैं जिन्होंने पहले से लिखे हुए कलाम को, यानी पहले से लिखी हुई कविता को संगीत में बांधने का, सुरारोपण करने का एक हिम्मत वाला काम किया, करेजियस काम किया। सामान्यतः हम जानते हैं कि संगीतकार, अधिकतर संगीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी धुन पहले बनाना पसंद करते हैं और उसके ऊपर, यानी धुन के ऊपर उनके गीतकार उन्हें गीत लिख करके देने देते हैं, या देने को बाध्य होते हैं, या यही एक परिपाटी है। तो इस एक परंपरा को लेकर के फिल्म जगत सामान्यतः चलता है, लेकिन ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने दोनों काम किए हैं, जिन्होंने लिखी हुई शायरी पर भी संगीत सृजन किया है और अपने संगीत सृजन पे गीतकार से, शायर से कविताएं और शायरी लिखवाई है। जयदेव के केस में हम मानते हैं कि ये बहुत अधिक सत्य है कि उन्होंने कविता को, शायरी को तरजीह दी और उसकी खूबसूरती को उभारने के लिए संगीत को कभी भी हावी ना होने देने का एक बीड़ा उठा के रखा। सो मिनिमलिस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत ऑप्टिमल म्यूजिक देते हुए उन्होंने कवित्व की गहराई को उभारा, और यही कारण है कि बहुत सारा काम उनका नॉन फिल्मी भी है जो कि बहुत मार्के का है। और इसके अलावा एक और बात जो मुझे महसूस होती है कि शुद्धता, प्योरिटी को एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से विस्फोट मिलता है जयदेव के रूप में, जब जयदेव अपने फिल्मों में संगीत देते हैं। कम काम है, शायद 40 एक फिल्में भी नहीं होंगी। इतना कम काम करके भी एक इंसान इतनी गहराई दे सके, उसके लिए हम एक पैरामीटर जयदेव जी के बारे में पहले ही निवेदन करना चाहेंगे कि उनका जो काम है वो इतना मार्के का है, इतना ठोस है कि आप उसे कहीं से भी हाथ लगाएं, वो आपको बहुत रोबस्ट, बहुत सॉलिड, बहुत ठोस मिलेगा। यानी
उनका कोई भी काम हल्के दर्जे का नहीं है। एक भी गीत आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसे आप इग्नोर कर सकें या जिसे आप दरकिनार करके आगे बढ़ सकें। सारे गीतों को मकबूलियत मिली या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जयदेव एक ऐसी प्रतिभा है जो हमारे जहन में, उनके चाहने वालों के जहन में, और खास तौर पे जो संगीत को, अच्छे विशुद्ध गहरे संगीत को पसंद करते हैं, उनके दिलों में बहुत गहरे बसे हुए हैं और उनकी उनकी रचनाएं, न जाने क्या कहा एक रोज तूफान समंदर से कि लहरें आज तक साहिल पे आके सर पटकती हैं। तो ये जो लहरें आप देख रहे हैं, इनमें से न जाने कितनी लहरें जयदेव की संगीत की हैं जो हर रोज कोई ना कोई कहानियां सुना देती हैं। लहरें आती जाती हैं, कहानियां सुनाती हैं, और ये जो काव्यांजलि की अमूल्य विरासत की जो कैफियत है, जो मैं आपसे बदस्तूर गुजारिश करता रहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, तो एक शेर के या कितने के रूप में, हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते, कुछ शक्लें हैं अपनी आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में, कभी मन के अजंता में आओ, वह मूर्तें तुमको दिखलाएं, वह सूरतें तुमको दिखलाएं, हम खो गए जिनके दर्शन में। जयदेव एक ऐसी ही सूरत, एक ऐसी ही मूर्त है जो मन के दर्पण में बसे हुए हैं, मन की अजंता में हैं, और आज हम उनसे मिलने के लिए आइए एक ऐसी यात्रा पे चलें जो बहुत आनंददायी होने वाली है, और जिसमें हम संगीत के, शायरी के, कविता के, और जिंदगी के सुंदरता के, जिंदगी के अलग अलग पक्षों के बहुत सारे रंग और बहुत सारे शेड्स देखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, अगर आप आज पहली बार आ रहे हैं तो इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं, आप इन पे हमें मैसेज दे सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आप हमें लिख सकते हैं। आप अपना नंबर पब्लिक ना करना चाहें तो चैट बॉक्स में आप प्राइवेटली लिख सकते हैं, आपके पास कई सारे साधन हैं। और जयदेव साहब का करियर जो शुरू होता है वो, मैं इसके डिटेल में बाद में जाता हूं, पर एक आर्टिस्ट के रूप में शुरू होता है। कौन से आर्टिस्ट, ये पहेली रहेगी, ये पहली पहेली है आज की, कि कौन से, उन्होंने क्या काम किया शुरू में, बहुत शुरू में, वी आर टॉकिंग ऑफ थर्टीज एंड ऑल, मिड थर्टीज में क्या काम किया उन्होंने, क्या जुनून था उनके ऊपर फिल्मों में आने का, और फिर हम जब आगे बढ़ें तो ये कुछ फिल्में हैं उस दौर की, और इनको हम स्टंट फिल्में बोलते थे, और ये एक जॉनर था इन फिल्मों का, उसमें जयदेव जी का बहुत यंग एज में कुछ बोल रहा था। तो ये आपके लिए पहेली है। इन फिल्मों के नाम आपने देखे, हंटर वाली है, मार्तंड वर्मा है, और मिस फ्रंटियर मेल है, और कीमत, ऐसी कुछ फिल्में हैं। और उसके बाद हम पाते हैं कि जयदेव अली अकबर खान साहब से उनका कोई संबंध बनता है। ये अगली पहेली रहेगी आपके लिए। मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा कि अली अकबर खान साहब से उनका क्या संबंध था और क्या कंट्रीब्यूशन रहा फिल्म इंडस्ट्री में, और इसके बाद जो एक उनकी यात्रा चलती है, अगर बहुत तेजी से मैं आपको सिर्फ उनके उनकी फिल्मों के, यानी जो जिन 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 मार्के की फिल्मों को मैं आपको आज जिन फिल्मों के काम से, जिन गानों से मिलवाना चाहता हूं, अगर सिर्फ उनके जल्दी से मैं आपको पोस्टर्स ही दिखा दूं तो शायद आपको जयदेव से थोड़ा सा प्यार और बढ़ जाएगा कि हम उनके बारे में, हम आज और कितनी लंबी यात्रा और कितनी गहरी यात्रा पे निकलने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन शेयर के जरिए, आइए उन पोस्टर्स, उन फिल्मों के पोस्टर्स के जरिए एक एक बड़ी तेजी से एक स्पीडी जर्नी, फास्ट ट्रैक जर्नी से गुजार देता हूं, और फिर हम इन फिल्मों के कलाम पे वापस आएंगे। तो हम देखते हैं कि जोरू का भाई एक फिल्म है, वी आर टॉकिंग ऑफ अर्ली 50s, एंड देन अर्ली 50s में या मिड 50s में जोरू का भाई के बाद एक दो फिल्में और आती हैं, उन फिल्मों के नाम आप चाहें तो बता सकते हैं, बट मेंशनेबल फिल्म उसके बाद ऐसी जो आए हम दोनों, जिसके जरिए जयदेव को बहुत बहुत प्रसिद्धि मिलती है,
और सबको पता चल जाता है कि अब कोई एक नए युवा संगीतकार संगीत की दुनिया में आ चुके हैं। और तीसरी पहेली आपके लिए रहेगी कि जब हम दोनों आई है उससे पहले और जो हमने आपसे अली अकबर खान साहब से उनका संबंध पूछा था, तो अगली पहेली ये रहेगी कि वो किसके असिस्टेंट रहे हम दोनों जो मेन उनका काम था उस काम के मिलने तक। वी आर टॉकिंग ऑफ मिड 50s एंड लेटर 50s, वो किन बड़े संगीतकार के असिस्टेंट रहे और उनके असिस्टेंट रहते हुए उन्होंने किन किन फिल्मों में अपना योगदान दिया उन लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। और फिर हम देखते हैं कि हम दोनों के बाद किनारे किनारे एक बड़ी अद्भुत फिल्म आती है, रेयर है, ज्यादा सुनी हुई नहीं होगी, लेकिन इसके गीत संगीत बहुत अद्भुत रहे। और मैं आपसे इन अलग अलग फिल्मों के बारे में पहेली नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो जिन फिल्मों के बारे में आप जानते हैं इनके एक एक दो दो गीत आप मेंशन कर सकते हैं, उससे मुझे आपकी पसंद जानने का मौका मिलेगा। किनारे किनारे में कौन से गीत आपकी पसंद के हैं, मैं अपनी पसंद बता सकता हूँ। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, जो कि टाइटल सॉन्ग की तरह है उस फिल्म में, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, देख ली तेरी खुदाई, गजलों को बांधने में, गजलों को संगीत पे बांधने में जयदेव को एक अच्छी बहुत गहरी महारत हासिल थी, और फिर हर आस अश्क बार है, ऐसे बड़े गहरे गीत रहे इस फिल्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गीत आप चाहें तो अभी सुन सकते हैं, ये गीत हमारे ही एक चाहने वाले साथी श्री श्री अनूप कुमार गडोडिया जी ने हमें फॉरवर्ड किया है, तो आप इसकी दो दो बोल दो पंक्तियां सुन लीजिए। एक फिल्म आती है मुझे जीने दो, बहुत प्रमुख फिल्म उनके करियर के लिए होगी, और एक और भी कलाकार हैं हमारे देश के जाने माने जिनका इस फिल्म में बड़ा रोल रहा, इस फिल्म को बनाने में और इस फिल्म को वो मुकाम दिलवाने में, आप उनका नाम भी बता सकते हैं। और इस फिल्म में भी बहुत अद्भुत गीत संगीत है। हम दोनों के गीत संगीत मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया क्योंकि वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हाँ, जोरू का भाई का एक गहरा गीत है, प्यारा गीत है, जिसको कि किसने बनाया था और यानी उस फिल्म को किसने बनाया था, वो जयदेव की इंडिपेंडेंट एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म मानी जाएगी, और उसका वो गीत आप बता सकें तो बताना चाहें तो बताइए, जोरू का भाई का गीत। और मुझे जीने दो में जो कुछ गीत हैं बहुत प्यारे प्यारे, जिनमें बहुत ही खनकदार बहुत मजेदार गीत है, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, और फिर एक बड़ा ही पॉइग्नेंट बहुत भावनापूर्ण मार्मिक गीत है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ देके परेशान सी हो जाती हूँ। लोक संगीत और पारंपरिक गीत संगीत पे भी जयदेव की बहुत महारत थी, तो इस फिल्म में एक बहुत प्यारा सा लोकगीत है, मैं नहीं बता रहा हूँ, हम इस फिल्म पे वापस लौटेंगे, आप अगर चैट बॉक्स में बताएं तो मज़ा आएगा कि इस फिल्म में कौन सा लोकगीत, कौन सा गीत लोकगीत के रूप में शामिल किया गया और उसके बोल बताइए और किसने गाया और वो सारे क्रेडिट्स अगर आप बताना चाहें तो मज़ा आएगा।
और जी वो आपके उत्तर मैं थोड़े थोड़े तो पढ़ पा रहा हूँ, बाद में सुकून से पढ़ता हूँ, पर बहुत मज़ा आ रहा है। आप सभी इतनी गति से, इतनी स्पीड से उत्तर दे रहे हैं। और देखिए, अभी मैं सबसे लेटेस्ट वाली पहेली पे अगर रहूँ तो अनूप जी ने और सूरज बोहरा जी ने और उससे पहले चेतनानंद जी, एनी सुल्तान जी, आप सभी बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, नदी नारे न जाओ श्याम पहियां पढ़ो, और मोहे पीहर में मत मुको पीहर में मत छेड़, मोहे पीहर में मत छेड़, ये भी लोकगीत है। और बिल्कुल ठीक आप सही सब बता रहे हैं। तो अब हाँ, ये रमा खान जी आगे उसके बोल बता रहे हैं, बहुत प्यारा चलता है वो गीत कि नदी नारे न जाओ श्याम पहियां पढ़ो, नदी नारे जो जाओ तो जैबे करो, जैबे करो, जैबे करो, बीच धारे न जाओ श्याम पहियां पढ़ो, बीच धारे जो जाओ तो जैबे करो। एक एक विरहिणी की या प्रेयसी की विनती है अपने प्रियतम से, अब बीच धारे मत जाओ, बीच धारे जो जाओ तो जैबे करो, जैबे करो, अर्थात बीच धारे जाओ तो जाओ, लेकिन उस पारे न जाओ श्याम पहियां पढ़ो, उस पारे न जाओ श्याम पहियां पढ़ो। अब अगर तुम उस पारे जाने की भी जिद रखते हो, यानी उस पार चले भी गए हो, तो उस पारे जो जाओ तो जैबे करो, जैबे करो, जैबे करो, संग सवतिया न लाओ श्याम पहियां पढ़ो। अंत में वो ये निवेदन करती है कि उस पार जाके किसी सौतन को मत ले आओ वापस, ये मेरा तुमसे निवेदन है। अब ऐसे प्यारे प्यारे लोकगीत फिल्मों में लेके आए जयदेव, तो उसका एक अलग आनंद है। चलिए हम अपनी इस यात्रा को आगे देखते हैं। एक रेयर फिल्म बनती है आषाढ़ का एक दिन, इससे पहले कुछ और फिल्में आती हैं, यानी 1963 में जब मुझे जीने दो आ गई है, 1961 में हम दोनों, 1963 में किनारे किनारे और मुझे जीने दो। इन फिल्मों के अलावा हम आषाढ़ का एक दिन और दो बूंद पानी फिल्मों तक पहुंचते हैं, यानी 1971 तक, तो इन 6-7 सालों में कुछ एक काम जयदेव करते रहते हैं। एक नेपाली फिल्म में भी वो संगीत देते हैं, आप जानते हो तो पहेली के रूप में उसे बता सकते हैं। और फिर हमारे गम से मत खेलो एक फिल्म आती है, जिसमें बहुत प्यारी बड़ी गहरी बात है और बड़ी पोएटिक बात है, और जयदेव के जीवन पे शायद वो एक कहिए बिल्कुल कील की तरह गड़ी हुई हमें लगती है, एज इट एज इफ इट इज नेल्ड ऑन टू हिज लाइफ। और इन इन चार पंक्तियों को मैं चाहूंगा आप जरूर सुने। गर ये जमीन नहीं वो मेरा आसमां तो है, गर ये जमीन नहीं वो मेरा आसमां तो है, ये क्या है कम, ये क्या है कम कि कोई मेरा मेहरबान तो है, ये क्या है कम कि कोई मेरा मेहरबान तो है, मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, गर ये जमीन नहीं वो मेरा आसमां तो है। शायद जयदेव अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बात इस गीत के जरिए कह रहे हैं, जो गीत हमारे गम से मत खेलो नाम की फिल्म में आता है। और कम सुनी हुई फिल्म है, कम सुना हुआ गीत होगा ये, लेकिन बहुत गहरी बात है। और ये कुछ ऐसी ही बातें हैं जो अलग अलग शायरों ने, अलग अलग कवियों ने समय समय पे कही हैं। फैज कहते हैं, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही। और ऐसी बातें गालिब ने भी कही हैं, मीर ने भी कही हैं अपने तरीके से। पर जिस किसी कलाकार के जीवन में कुछ गहरा दर्द हो और हमें मालूम भी हो उसके बारे में, उसके रचनाओं में ऐसा सुनना उसका एक अलग मार्मिक महत्व हो जाता है। तो जब हम हमारे गम से मत खेलो 1967 और उसके बाद एक दो फिल्में आती हैं, जियो और जीने दो और सपना जैसी, 1968-69 में, 1968-69 की बात हम कर रहे हैं, और उसके बाद ये फिल्म आती है आषाढ़ का एक दिन, मणिकौल की फिल्म है। और इस समय हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा समानांतर सिनेमा वाला एक ट्रैक शुरू हो जाता है, और
मणिकौल, आषाढ़ का एक दिन फिर से आपके लिए पहेली रहेगी कि इससे किस किन बड़े लेखक का नाम जुड़ा रहेगा इस फिल्म से, या इस फिल्म के नाम के कारण आप किन लेखक को, हिंदी के किन लेखक को याद करेंगे, और इसका कथानक, इसके कथानक में क्या है? नहीं जमुना जी, दुष्यंत नहीं, कोई और सोचिएगा। आषाढ़ का एक दिन एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है जी। कालिदास, रमाकांत जी बोल रहे हैं, तो कालिदास कथानक से तो जुड़ते हैं, लेकिन आषाढ़ का एक दिन अगर हम कोट अनकोट बोलें तो ये किनकी रचना है, वो आप बताएं जी। और फिर उसके बाद ये बताइए कि कालिदास का इससे क्या संबंध है, वो भी आप बता सकते हैं, तो इससे हम हिंदी साहित्य से भी जुड़ते हैं धीरे धीरे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिल्म पाते हैं दो बूंद पानी, और ये बहुत रेयर फिल्म मानी जाएगी अपने आप में, जो कि पानी की समस्या पे बनती है, राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में, और एक अद्भुत कथानक पे चलती है जी। और इस फिल्म में भी बहुत बहुत गहरे गीत मिलते हैं, और ख़ास तौर पे लोकगीत, राजस्थानी पारंपरिक संगीत और राजस्थानी मांड की एक जो विरहिणी वाली व्यथा है, विकलता है, वो सब आपको इसमें महसूस करने को मिलती है। किन कवि, किन विशिष्ट कवि की इसमें रचना आपको ऐसी मिलती है जो कि फिल्मी गीतकार या फिल्मी कवि बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ शायद जयदेव के लिए उन्होंने एक या दो फिल्मों में ही गीत लिखे हैं, उनका नाम बताइएगा। और जी, आप जो बता रहे हैं वो गीत तो बता रहे हैं, और गीत के साथ बड़ा आसान है कि हम उनके गायक गायिकाओं को बता दें, वो आसान है, हालांकि वो भी कोई बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन मैं उन रेयर गीतकारों के नाम आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि जयदेव का कवित्व और कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति और शायरी के प्रति बहुत गहरा लगाव था, और उन्होंने बहुत काबिलियत से उन कवियों की और उन सभी रेयर कवि प्रतिभाओं की प्रतिभाओं का प्रयोग किया है, और गायक गायिकाओं की प्रतिभाओं का भी। हम भी उस विषय पे भी हम आएंगे कि कितने ही अनछुए गीतकार और कितने ही अनछुए गायक गायिकाओं के जीवन को उन्होंने अपने संगीत से समृद्ध किया। तो दो बूंद पानी में आपने एक गीत बताया जी, बिल्कुल, और बहुत प्यारे प्यारे इसमें और गीत हैं। पीतल की गागरी जो आप यहाँ देख रहे हैं इनकी, इनके हाथ में, यानी सिमी गरेवाल के हाथ में, वो आप, वो भी एक बहुत प्यारा गीत है। और उसके बाद एक गीत है जारी पवनिया पिया के देश जा, किन्होंने इन गीतों को लिखा है वो भी याद करें। और जी, बालकवि बैरागी का नाम दो तीन साथियों ने लिया है, बिल्कुल सही नाम है। इस फिल्म से बालकवि बैरागी का और जयदेव का साथ होता है, आगे एक और फिल्म में ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। बालकवि बैरागी अद्भुत गीत लिखते हैं उस फिल्म में, वो गीत भी बताइए इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, और ये भी बताइए कि वो गीत कौन सा था और किस फिल्म में था। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हम अगर किनारे किनारे को याद करें, तो वहाँ विनोद देसाई और एमएल वसंत कुमारी जैसे अननोन गायकों को जयदेव पर्दे पे लेके आते हैं, यानी फिल्म में लेके आते हैं गाने के लिए। और फिर इस फिल्म में अचानक से इतने सारे ऐसे गायक गायिकाओं को वो इंक्लूड कर लेते हैं अपने अपने इस फिल्म के संगीत में। तो आप ने कई साथियों ने नाम बताए हैं, बिल्कुल सही, परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम से वो पीतल की मुरी गागरी गवाते हैं, और फिर उसके उसके दो वर्जन्स होते हैं, तो एक वर्जन को परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम दोनों गाती हैं, और एक सैड वर्जन को सिर्फ परवीन सुल्ताना गाती हैं। और उसके बाद मर गई रे जैसा एक गीत है, वो लक्ष्मी शंकर गाते हैं, बिल्कुल ठीक रमाकांत जी बोल रहे हैं। और उसके बाद अंबर कुमार, भूषण मेहता, श्रीकांत मोघे, और फिर मतलब जो प्रचलित गायक गायिकाएं हैं उनके साथ तो जयदेव काम कर ही रहे हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, किशोर से भी बहुत प्यारे गीत गवाए हैं, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी,
लेकिन ऐसे लोगों को लेके आना और परवील सुल्ताना से गाने गवाना और मीनू पुरुषोत्तम से, ये काम जयदेव ने बहुत किया है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं दो बूंद पानी, तो हम इन इन फिल्मों पे, इनके गीतों पे और लौटेंगे, थोड़ा सा इनकी गहराई में जाएंगे। और फिर इस फिल्म का टाइटल गीत है, बताइएगा वो टाइटल सॉन्ग किसने गाया है, वो गीत बताइए और गायक बताइए उसके, और उसके उसके लिरिक्स यानी गीतकार कौन है वो भी बताइएगा जी। हाँ जमुना यार जी, हम मतलब थोड़ा सा क्रम से चल रहे थे, तो हम अभी सुरेश वाडकर जी के पास थोड़े समय बाद पहुंचेंगे। और जी ये बात मैंने बहुत देर पहले पूछी थी कि उन्होंने अपना करियर जो शुरू किया था तो वो कहाँ से शुरू किया था, तो अनूप गडोदिया जी उसके उत्तर दे रहे हैं और वो उत्तर सही है। मैंने आपको कुछ फिल्मों के पोस्टर्स दिखाए थे और बहुत प्यारा सा एक इनका इनका काम था फिल्मों में, वो काम बताइए मतलब अगर आप अभी भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पहेली को। और अब 1971 में ही एक और बहुत प्यारी फिल्म आती है, रेशमा और शेरा। और रेशमा और शेरा एक बार फिर से सुनील दत्त का एक बहुत अनोखा प्रयास है। और इस फिल्म में एक बार फिर राजस्थानी परिप्रेक्ष्य में, राजस्थानी बैकग्राउंड को लेते हुए जो गीत संगीत रचा जाता है उसको बहुत मान सम्मान मिलता है, इसको अनोखे लेवल पे, अद्भुत लेवल पे अवार्ड्स भी मिलते हैं और नॉमिनेशंस मिलते हैं। दिस फिल्म इज नॉमिनेटेड इंटरनेशनली, गोल्डन बेयर जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है उसके 22nd वर्जन में, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये फिल्म नॉमिनेट होती है गोल्डन बेयर के लिए। और 44th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स में ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भी नॉमिनेट होने के लिए जाती है। दोनों जगह सफलता तो नहीं हमारे हाथ लगती, लेकिन अपने ही देश में नेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म 3 अवार्ड्स जीतती है। और ओपन बुक एग्जाम है यानी आप गूगल भी कर सकते हैं, बताइए वो 3 अवार्ड्स, बताइए वो 3 पुरस्कार क्या क्या हैं नेशनल। और जयदेव जी के जीवन में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार यहीं से आता है जी। एक साथ बताइएगा, टुकड़ों में नहीं, 3 अवार्ड्स एक साथ बताइएगा, तीनों के। और जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उससे पता चलेगा आपने गूगल किया है या आपको वैसे मालूम था, हालांकि गूगल से भी क्या फर्क पड़ता है, पर हम लोग हमेशा ये निवेदन करते हैं कि जब आप गूगल करें तो लिख दे गूगल, जिससे कि दूसरों को इस बात का अंदाजा रहे कि आपने गूगल करके बताया है जी। ये बहुत प्यारा जवाब आया है नवंकुर सेन साहब की तरफ से, इट वाज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर जयदेव, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर वहीदा रहमान हु प्लेड अ वेरी वेरी सब्लाइम एंड डिफिकल्ट रोल, एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फॉर रामचंद्र जी, एंड बहुत सुंदर। एंड देन अनूप जी किनारे किनारे के लिए कह रहे हैं, विनोद देसाई जी बिल्कुल, मैंने आपको इसीलिए विनोद देसाई जी का नाम मेंशन किया, और बहुत छोटे जी बिल्कुल ठीक बात है, और जो अनूप जी बता रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और इसमें एक प्यारा सा गीत है विनोद देसाई जिसको गाते हैं, ओ मस्त नजर तू चाहे अगर, तो ये बहुत पुरानी फिल्में हैं ब्लैक एंड व्हाइट एरा की। खैर हम रेशमा और शेरा के गीतों को आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन से गीत पसंद हैं या किन गीतों ने आपको छुआ है, और उन गीतों के गीतकार बताइएगा, और उन गीतों को किसने गाया है ये भी बताइएगा। गायन बताना तो बहुत आसान होता है लेकिन आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। और जी ये बहुत विरले यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे जिनको कि 3 नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं। सो एक नेशनल अवार्ड तो हमने अभी मेंशन कर लिया, बाकी 2 नेशनल अवार्ड्स भी बताइएगा। और जी बिल्कुल, तो ये जो
उत्तर आ रहे हैं। जमुना अय्यर जी ने हमें तीनों फिल्में बता दी हैं कि हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश को यानी हिंदी को इंग्लिश में लिखने में कई बार थोड़ा ध्यान देना होता है। सो गमन अगली फिल्म है जिसके लिए कि उनको नेशनल अवार्ड मिलता है। और उसके बाद एक बहुत रेयर फिल्म है जो मैं अभी नहीं मेंशन करूंगा, और मुझे लगता नहीं कि जमुना अय्यर जी के लिखने से सबको क्लियर भी होगी, इसलिए आप कोशिश करके बताइए कि वो तीसरा नेशनल अवार्ड को कब मिलता है। वो काफी लेट मिलता है, 1985 में मिलता है, एंड वी लूज हिम इन 1987। सो इट्स वर्चुअली हिज स्वान सॉन्ग प्रायर टू हिज डेथ, शॉर्टली प्रायर टू हिज डेथ। सो दैट इज 1985, एंड वेरी रेयर फिल्म, एंड वेरी 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 रेयर फोर ट्रैक्स इन दैट। हम अन कहीं पे आएंगे तब उसकी बात करते हैं। और अभी के लिए संगीता गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और बहुत उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है बाल कवि बैरागी जी के बारे में, कि तू चंदा मैं चांदनी लता मंगेशकर ने गाया और बाल कवि बैरागी ने इसको लिखा। बाल कवि बैरागी जो कि हिंदी भाषा के बहुत अच्छे प्रसिद्ध मंचीय कवि रहे हैं, उन्होंने फिल्मों में जो काम जयदेव के साथ किया, हमने दो फिल्म आपको मेंशन की, अगर आपने मिस की तो फिर से जान लीजिए, रेशमा और शेरा, और उसके अलावा दो बूंद पानी। तो दो बूंद पानी और इसमें दोनों में राजस्थानी बैकग्राउंड है। और जब आप इस गीत को सुनते हैं तू चंदा मैं चांदनी, इसमें जो विकलता है, जो एक विरह है और प्रेम की एक गहन अनुभूति है कवि की तरफ से जो उसको अभिव्यक्त किया है, उसको जयदेव ने जो कैनवस दिया है, और एक एक सुरों की पेंटिंग की तरह ये गीत चलता है, और बार बार कैनवस के पे नए रंग आते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कैनवस ही बदल गया। कुछ ऐसे अद्भुत गीत हुए हैं जिनमें कि काफी कुछ बदलता है गीत के भीतर। यहाँ पे मैं याद करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे गीत बरबस जहन में चले आते हैं, तो जब हीर रांझा में मदन मोहन जी एक एक बहुत बड़े कैनवस का गीत बनाते हैं, वो कौन सा गीत है आपके लिए बड़ा आसान होगा बताना। और मोहम्मद रफी अपनी आवाज में राजकुमार के चरित्र के जरिए आपको अलग अलग टाइम फेजेस में, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, अलग अलग डेमोग्राफीज में से ले जाते हुए, जीवन के अलग अलग चरणों में से गुजारते हुए कैफी आजमी उसकी उसकी शायरी को हमें बहुत गहराई से लिख करके देते हैं। और वो गीत आपको एक एक तरह से टाइम ट्रैवल भी कराता है, और कहानी को यानी फिल्म की कहानी को भी आगे बढ़ाता है। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ महसूस होगा। और मैं चाहूंगा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ संगीता गुप्ता जी हैं इस समय। तो मैंने आपसे ये शुरू में मेंशन किया था, एक सवाल पूछा था आपसे अली अकबर खान साहब के बारे में, यानी अली अकबर खान साहब से जयदेव जी का क्या संबंध था। अगर आप उत्तर दे चुके हैं तो मेरा सिर्फ ये निवेदन होगा कि अपने उत्तर को दोबारा पेस्ट कर लीजिएगा, शुरू के कुछ उत्तर में पढ़ नहीं पाया हूँ। और दो संगीतकारों के साथ, यानी अपने दो समकालीन संगीतकारों के साथ उनके बहुत प्यारे संबंध थे, वैसे तो सभी से अच्छे संबंध रहे होंगे, लेकिन एक के साथ तो उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया था। ये मेरा एक और पहली सवाल था कि 50s में, mid-50s में, और पूरे 50 के दशक में उन्होंने एज एन असिस्टेंट किन के नीचे काम किया। तो उन्होंने दो संगीतकारों के तहत काम किया एज एन असिस्टेंट, और उनमें से एक से तो विधिवत शास्त्रीय संगीत की तालीम भी पाई। और तीसरे संगीतकार जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, तो उनकी इस फिल्मों की यात्रा से हम जरा कहीं और पहुंचते हैं, और वहां चल के हम एक बहुत प्यारी सी कुछ यादें आपके सामने शायद ला सकें। तो मैं अभी सबसे पहले तो आप के सामने उन संगीतकार का नाम लाना चाहूंगा। हमने ये कोशिश की है कि उनके बारे में हम अगर
अगर हो सके तो उनके ही परिवार से हमारे साथ हैं उनकी सुपुत्री यहाँ उपस्थित, अगर संभव होगा उनके लिए और इफ वी कैन हैव हर ऑनलाइन तो बहुत अच्छा लगेगा कि जयदेव जी का जो प्यारा सा संबंध था मदन मोहन जी के साथ वो क्या था, कैसी उनकी मित्रता थी, कैसा संबंध था और कैसे वो एक दूसरे को वैल्यू करते थे। अगर इस पे संगीता जी जो कि मदन मोहन जी की सुपुत्री हैं और उनके साथ यहाँ पे राजीव गुप्ता जी भी दोनों जयपुर से उपस्थित हैं, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और आप माइक पे आ सकें तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप अगर कुछ कहें इस मौके पे तो दैट विल बी आवर प्रिविलेज। संगीता जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, अमूल्य जी आपको भी नमस्ते और हमारे सभी दोस्तों को जो सुन रहे हैं सबको नमस्कार। जयदेव जी के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगता है और लग रहा है। जयदेव जी और डैडी की दोस्ती बहुत पुरानी है, इनफैक्ट उनको रोशन साहब ने मिलवाया था। क्या बात। रोशन साहब और जयदेव जी कहीं रेलवे स्टेशन के पास गुजर रहे थे तो रोशन जी ने जयदेव जी से, ऐसा जयदेव जी ने बताया है कि दूर से कोई एक शख्स आ रहे थे तो रोशन साहब ने उनसे कहा कि आओ चलो आज मैं तुमको एक बहुत अनोखे इंसान से मिलाता हूँ, और वो डैडी थे मदन मोहन जी। और तब से उनकी दोस्ती थी, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो इनफैक्ट उनके वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द म्यूजिक फील्ड थे। वाह। और उनका रेगुलर उठना बैठना था, जयदेव जी की शादी नहीं हुई थी तो उनका कोई परिवार नहीं था उनके साथ बंबई में, तो बहुत रेगुलरली मिलते थे, घर आते थे, बाहर जाते थे, दे वुड गो टू रेस्टोरेंट्स एंड ये ताश खेलते थे। बहुत अच्छा उनका प्यारा रिश्ता था। बहुत सुंदर। तो ये कितनी प्यारी बात है कि मदन मोहन जी के साथ ये प्यारा सा रिश्ता और उसको बनवाने वाले होते हैं रोशन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। So, रोशन साहब और डैडी का भी बहुत गहरा प्यार था एक दूसरे के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिन तीन लेजेंड्स का हम नाम ले रहे हैं एक साथ, कुछ ये अद्भुत संयोग है कि तीनों का ही शास्त्रीय संगीत में बहुत गहरा दखल, तीनों ने ही जो धुनें हमें दी हैं उनका क्लासिकल आधार बहुत स्ट्रांग रहा है और बहुत ही प्योर म्यूजिक, बहुत शुद्धता वाला, भारतीयता वाला संगीत तीनों ने दिया। और जहां तक मैं जानता हूं कि जयदेव जी और रोशन जी तो दोनों ही बाबा अलाउद्दीन खान के घराने से और उनके यहाँ से उनसे कुछ तालीम भी पाए हुए हैं दोनों, तो ये फिल्म संगीत में ऐसे विचारद जो पहुंचते हैं तो हमें वाकई में बहुत गहरी रचनाएं मिलती हैं उनके। बिल्कुल, इसलिए डैडी उनके संगीत से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत सुनते थे और एक दूसरे के साथ अपना काम भी डिस्कस किया करते थे। इट वाज नॉट मी, अपना मैंने जो बनाया मैं दूसरे को नहीं सुना, एक दूसरे को सुनाते थे, पूछते थे कैसा है, उनकी ओपिनियन लेते थे, तो ऐसा था उनका रिश्ता। क्या बात है। तो कोई आप को कोई घटना आपके सामने कोई ऐसे संस्मरण विशिष्ट रहे हो या और कुछ आपको बताया गया हो, कोई हम लोग जो सुन सके आपसे जो आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो इतना रेगुलरली आते जाते थे, कोई नो इंसिडेंट एज सच इज स्टैंडिंग आउट इन माय माइंड, बट इट वाज अ रूटीन। इंटरेक्शन रहा, हमको बहुत प्यार करते थे। और आई रिमेम्बर वो बीमार हुए थे तब हम उनको हॉस्पिटल भी देखने गए थे, अकेले रहते थे वो। जी अकेले रहते। अच्छा, तो इस बारे में मैं एक बहुत बचपन से एक फिल्म से बहुत प्रभावित रहा हूँ, लैला मजनू।
और मदन मोहन जी उसका संगीत दे रहे थे और अद्भुत संगीत दे रहे थे जी जी बिल्कुल। इसी कारणवश शायद उनके रहते वो फिल्म पूरी जी बिल्कुल उसमें से दो गाने बच गए थे, एक गाना तो उनके रहते हुए तैयार था जी, जयदेव अंकल ने उसको कंप्लीट किया था जी, और उसके बाद दो गाने जयदेव अंकल ने कंपोज किए थे, एक तो टाइटल सॉन्ग था लैला मजनू दो बनन और दूसरा था एक ड्यूएट है वो उन्होंने कंप्लीट किया था, बाकी डैडी के रहते हुए सारे गाने कंप्लीट हो गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द रीजन व्हाई जो फिल्म का एल्बम है उसमें म्यूजिक बाय मदन मोहन एंड जयदेव दिया हुआ है और गानों को आइडेंटिफाई नहीं किया है कि किसने कौन सा गाना बनाया है, देयर नॉट ईयरमार्क्ड, यू आर राइट, देयर नॉट ईयरमार्क्ड, देयर नॉट ईयरमार्क्ड, तो किसी को पता नहीं है कि कौन सा गाना जयदेव अंकल ने बनाया है कौन सा डैडी ने बनाया है। तो ये जो ये बहुत एक यूनिक सा एक मोमेंट आ जाता है जीवन में कि मदन जी नहीं हैं और अब इस काम को पूरा होना है, तो जयदेव जी का नाम या ये काम उनके हिस्से में किस प्रकार से जाता है, ये आई डोंट नो, मे बी प्रोड्यूसर की चॉइस होगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, और शायद उन्हें दोनों के संबंध का आपस का कुछ ये हो सकता है, ये हो सकता है, they are close to each other and maybe their style of working and their possible, that is quite possible, that is quite possible, I'm not sure on that front. जी, those are like very that was a, maybe a professional decision, it was it had nothing to do with the family. But I still think that that was a very apt and very correct decision. बिल्कुल सही बात है. That movie being handed over to Jaydev ji would have been the best choice at the time. कि हमें कहीं उस फिल्म के पूरे कैनवस में डिफरेंस नहीं पता चलता है कि मदन जी ने उस काम को शुरू किया है, और अगर ना बताया जाए तो वो कहना मुश्किल है कि उसको किसी और ने खत्म किया है, तो दैट वुड बी टू द क्रेडिट जी। और कुछ आप अगर आप उनसे मिली हैं जयदेव जी से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रेगुलरली, वही मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत रिश्ता बड़ा क्लोज था, ही वाज जयदेव अंकल टू अस, तो बहुत दफे मिली हूँ उनसे मैं, और बहुत हमको बहुत प्यार करते थे बच्चों को, और कुछ जैसे वाज ही मोर इनटू कन्वर्सेशंस या चुप रहते थे? नहीं, ही वाज नॉट अ वेरी वोकल पर्सन, और बहुत धीमी आवाज थी उनकी, वो आवाज उनकी बुलंद नहीं थी, बहुत धीमा बोलते थे, उनका वो ये कुर्ता पजामा रेगुलर उनका आउटफिट होता था, मैंने उनको कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा जी, और बहुत जेंटल, ही वाज अ थरा जेंटलमैन, और बहुत बोलने में भी बहुत जेंटल थे, और गाते अच्छा थे बहुत जी जी, गाते मैंने उनको ऐसा जितना गाते हुए सुना नहीं अनफॉर्चुनेटली, और मदन जी भी गाते, तो कभी इनके गायन को आपने दोनों का कभी कभी कुछ ऐसा सुना कुछ? हाँ जी, हाँ ओके, क्योंकि दोनों ही शास्त्रीय संगीत की बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी लेके, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को ही हमने थोड़ा बहुत गाते सुना है, मदन जी के आवाज में हमने दस्तक वाला गीत भी सुना है, तो ऐसा कभी हुआ कि कभी गायन भी इनका आपस में ऐसे शौकिया भी होता हो? जी हाँ बिल्कुल, वो तो रेगुलरली जैसे घर पे आते थे डिनर पे, तो अच्छा। इन लोगों की बैठकें होती थी जिसमें हम बहुत बड़े नहीं थे, वी वर नॉट रियली अलाउड टू हैंग अराउंड वेरी लॉन्ग आफ्टर डिनर, तो वो अपना अपना बैठ के अपना एक दूसरे का म्यूजिक सुनते थे, या जो जो कंपोज किया है या कंपोज करने जा रहे हैं एक दूसरे को सुनाते थे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब सुन के, और बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और नहीं, मैं अब मैं सुनना चाहूंगी आप उनके बारे में क्या बताएंगे, उनके फिल्मों के बारे में क्या बताएंगे, उनके संगीत मुझे बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू लिसन टू ऑल दैट यू हैव टू शेयर। थैंक्स संगीता जी फॉर सेइंग दैट, फॉर मी पर्सनली जयदेव जी इज म्यूजिक
मैं इस मौके पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जयदेव जी जिस शुद्धता के साथ, जिस प्योरिटी के साथ एक्सेलेंस को परस्यू करते रहे अपने हर क्रिएशन में, और खास तौर पे शायरी और पोइट्री पे उनका जो एक फोकस रहा, और उसकी खूबसूरती को उभारने के लिए उन्होंने जिस तरह का बिल्कुल एप्ट और मिनिमलिस्टिक म्यूजिक दिया, उस परिपाटी पे, उस परंपरा पे मैं दो ही और संगीतकारों को पूरी तरह उनके कहीं शायद पैरेलल चलते हुए पाता हूँ, एक मदन मोहन जी हैं और एक खयाम साहब हैं। इन तीनों ने पोइट्री के साथ, शायरी के साथ, लिटरेचर के साथ बहुत न्याय किया है, और ऐसे तो बाकी सभी संगीतकारों ने बहुत अच्छा संगीत दिया है, पर बाकी सब जगहों पे कई बार संगीत कवित्व को थोड़ा पीछे कर देता है या उस पर हावी हो जाता है, बट आई थिंक जयदेव इसेंशियली वॉज वेरी वेरी डीपली पोइटिक इन नेचर एंड ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री, और ये चीज हमें मदन जी में भी मिलती है, क्योंकि गजलों के तो वो बादशाह कहे जाते हैं, और गजल को बांधना जी बिल्कुल, बोल बहुत जरूरी थे, पहले वो लिखवाते थे पोइट से और फिर उस पे धुन बनाते थे, तो ताकि पोइट्री के साथ ना हो, तो आई एम श्योर ये भी वैसा ही करते होंगे। मैं समझता हूँ कि इन इन म्यूजिक डायरेक्टर्स के, खास तौर पे जयदेव जी हुए, मदन मोहन जी, इनके काम में हमें बहुत सारा कलाम ऐसा मिलता है जो पहले से लिखा ही गया, जैसे जयदेव जी कितना ही कितनी पोइट्री ऐसी उठाई है जो पहले से लिखी हुई है, अब मखदूम मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन है, या और ऐसा कितना कलाम है जो कि हमें पता है कि किसी ने फिल्मों में आके नहीं लिखा होगा, अब उसको मधुशाला को संगीत में बांधना, जो कि हरवंश राय बच्चन ने अपने तरीके से लिखा, वो तो लेजेंडरी है, क्लासिक है वो तो। दीज आर नॉट स्मॉल टास्क, दे आर लाइक लेजेंडरी एफर्ट्स, और अपने ही जीवन काल में ऐसा कुछ क्रिएट कर देना, तो इस मामले में, इस दिशा में मैं पाता हूँ कि दे बोथ आर एटलीस्ट अलॉन्ग विद खयाम साहब, दे फोकस्ड अ लॉट ऑन द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ पोएट्री, एंड दे हैड उसके लिए उनके जहन में शायरी की और कविता की एक बहुत गहरी खुद की समझ होनी बहुत जरूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसको, जबकि थे वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेकिन म्यूजिक के ऊपर या म्यूजिक को के बराबर अहमियत देना, जो कि फिल्मों में धीरे धीरे कम होता गया, और शायद वक्त के साथ अब तो बहुत कम हो गया है, बट देन दिस इज वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, बहुत अच्छा, वील बी कनेक्टिंग विद यू अगेन, कुछ और विषय आता है, बट आपने हमें इतने अच्छे संस्मरण सुनाए, और सबसे बड़ी बात है आप उनसे मिल चुकी हैं, आप उनको जानती रही हैं विद सच अ पर्सनल इंटरेक्शन, तो हमारे लिए तो ऐसा है जैसे कि हम मदन मोहन जी से, जयदेव जी से आपके रूप में साकार ही मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वॉज माई गुड फॉर्चून, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सबको। और तो ये हम संगीता जी के आभारी हैं, और ये हमारा सौभाग्य ही कहेंगे कि आप इतने स्नेह से हमारे कार्यक्रम में चली आती हैं। राजीव जी भी यहाँ हैं, संगीता जी के जीवन साथी, आप दोनों जयपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे लगभग सभी साथियों ने, कई साथियों ने उनका स्वागत किया है, सो मैं चाहूँगा कि आप भी, जो अभी तक नहीं भी जानते थे कि संगीता गुप्ता जी, जो कि मदन मोहन जी की सुपुत्री हैं, हमारे साथ हैं, और हमें एक खुशकिस्मती से ये मोमेंट मिलता है कि मदन मोहन जी का और जयदेव जी का जो इतना प्यारा संबंध था, तो उनके बारे में हम बहुत प्यारी प्यारी व्यक्तिगत संस्मरणात्मक बातें जान पाते हैं। अब हम वापस अपनी उस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं जहां हम थे, और मैं चाहूँगा कि वो बातें हम थोड़ा सा फिल्मी, उनके उनके फिल्मी करियर वाले जीवन की थोड़ी पूरी कर लें, और उसके बाद फिर हम बातों की गहराई में आगे बढ़ेंगे। और मदन मोहन जी
से जो हम उनका जुड़ाव उसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे उनके करियर को जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ से मैं आपके सामने ले आता हूँ बात को एक बार पूरा करने के लिए, जिससे कि कहीं कोई गैप ना आ जाए, क्योंकि कुछ एक साथ ही लिख रहे हैं तो वो बात भी पूरी हो जाती है, जैसा हमें कुछ एक हमारे सीनियर मेंबर्स ने मेंशन किया कि जयदेव जी ने अपना करियर एज एन एक्टर शुरू किया, और ये बड़ी रेयर बात है कि उनको फिल्मों का इतना जुनून था। वी नो मोस्ट ऑफ अस वुड बी नोइंग, बट फिर भी मैं बता दूं कि 1918 में 3 अगस्त को जयदेव जी का जन्म होता है नैरोबी यानी कीनिया में, विच इज ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ काम किया करते थे। और फिर वो वापस हिंदुस्तान आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10-11 साल के रहे होंगे जब वो वापस हिंदुस्तान आते हैं, और लुधियाना में यानी पंजाब में। और फिर कुछ ऐसा होता है कि 14-15 साल की उम्र में वो अपने फिल्मों के जुनून के लिए, उन्होंने कोई 14-15 साल की उम्र में कहते हैं एक फिल्म देखी, अली बाबा और 40 चोर, और उस फिल्म को देख के उन पे कुछ ऐसा जादू सा हुआ, कुछ ऐसा जुनून तारी हुआ कि वो एक तरह से कहिए भाग के बंबई पहुंच जाते हैं। और बंबई पहुंचने के बाद वो कुछ फिल्मों में, यानी उस वक्त में जो कि स्टंट फिल्में और इस तरीके की फिल्में बना करती थी, उनमें बतौर एक्टर काम भी करते हैं। और बतौर एक्टर जब वो काम करते हैं तो ये कुछ फिल्में हमने आपको दिखाई थी, यानी उनके पोस्टर्स दिखाए थे, मार्तंड वर्मा है, हंटर वाली है, एंड फियरलेस नादिया इनका एक दौर हुआ करता था, और उस दौर में इन फिल्मों की बहुत मान्यता थी और खूब लोग इनको देखा करते थे। और होमी वाडिया आपको याद आएगा, ये एक पूरा प्रोडक्शन हाउस था और वाडिया मूवी टोन की तरफ से, और फिर देखिए आप वाडिया मूवी टोन की मिस फ्रंटियर मेल, ये एक दौर था इन फिल्मों का, और फियरलेस नादिया के नाम से। और इन फिल्मों के समय पे ऐसा होता है कि इनके पिताजी को इनकी ढूंढ, यानी इनको ढूंढते ढूंढते इनकी ढूंढ इतनी व्यापक हो जाती है कि किसी तरह पता चलता है कि ये बॉम्बे में है, और फिर इनके पिताजी ढूंढते हुए इन्हें बॉम्बे पहुंचते हैं और इन्हें लोकेट कर लिया जाता है, एंड ही इज पर फोर्स टेकन बैक। और फिर ये लुधियाना में अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाते हैं, और फिर कुछ ऐसा रहेगा, ये तो फिल्म काफी बाद की है। और उसके बाद बाबा अलाउद्दीन खान यानी उनके शिष्य हम जानते हैं रविशंकर जी रहे हैं, उदय शंकर जी रहे हैं, तो उदय शंकर ने अपनी एकेडमी अल्मोड़ा में खोली ही, हम सब जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब 40s की, यानी 40s के अर्ली की बात कर रहे हैं। तो वहाँ बाबा से के पास पहुँच जाते हैं जयदेव जी, और जयदेव उनसे सीखने का के लिए पूरे प्रस्तुत हैं। और फिर कहीं अर्ली 40s में, मिड 40s में आके वो एकेडमी एक तरह से उसकी फंक्शनैलिटी कहीं इम्पेयर होती है, और वो आगे चलनी की उसकी एक सूरत नहीं बनती। तो बाबा उनको एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं अपने बेटे के नाम का, जो कि उनके बेटे जो कि अली अकबर खान खुद सरोद के बहुत अद्भुत वादक रहे, और वो उनके पास फिर जयदेव जी पहुंचते हैं, और उनका थोड़ा समय लखनऊ में भी बीतता है। और फिर अली अकबर खान, उस्ताद अली अकबर खान महाराजा जोधपुर के कोर्ट म्यूजिशियन हो जाते हैं। और अब ये एक पहली सवाल रहेगा, इसका आप उत्तर दीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं देखूंगा कि क्या घटना होती है कि अली अकबर खान जो कि जोधपुर में महाराजा जोधपुर के कोर्ट म्यूजिशियन है, एंड दैट महाराजा इज आल्सो अ वेरी यंग पर्सन, और अब हिंदुस्तान को आजादी मिल चुकी है, और क्या घटना होती है कि वो महाराजा और उनके साथ
एक और भी अनदर पर्सन विद हिम, हु इज दैट पर्सन, उनका नाम, क्योंकि उनका नाम भी एक फिल्म से वाबस्ता है और एक फिल्म बन चुकी है और एक बहुत यूनिक इंसिडेंट है, वो एक्सीडेंट है. और कुछ ऐसा होता है कि देन आफ्टर दैट अली अकबर खान साहब माइग्रेट्स टू बॉम्बे एंड देन ही ब्रिंग्स जयदेव अलॉन्ग विद हिम एज हिज डिसाइपल एंड एज हिज प्यूपल, एज हिज शिष्य. सो वो घटना महाराजा जोधपुर की अगर आप बता सके क्या थी और उनके साथ कौन थे उस घटना या दुर्घटना में और फिर उसका क्या इंपैक्ट होता है इनके जीवन पे. एंड देन व्हेन दीस बोथ ऑफ देम व्हेन दे लैंड अप इन बॉम्बे देन वी सी दैट अली अकबर खान साहब इज रिक्वेस्टेड बाय चेतनानंद. चेतनानंद जी हु वाज वन ऑफ द वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग directors in film world at that time. He made a movie called Nicha Nagar as early as late 1940s and then which was recognized internationally also. So Chetan Anand ji request Ali Akbar Khan sahab to give music for his for the home production which is Navketan. और नवकेतन के लिए आंधियां फिल्म में जिसमें कि देवानंद है वो म्यूजिक देते हैं. और आप प्लीज देखिए एक बार, हैव अ लुक एट दिस गैलेक्सी, दिस स्टारकास्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, कि ये आंधियां फिल्म में जो लोग प्ले कर रहे थे बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक में इन्वॉल्व थे वो कौन कौन लोग थे. अली अकबर खान साहब सरोद बजा रहे हैं, रविशंकर जी सितार बजा रहे हैं और सुरबहार बजा रहे हैं, पन्नालाल घोष फ्लूट बजा रहे हैं, राम नारायण जी सारंगी बजा रहे हैं, जयदेव, जो जयदेव वर्मा नाम लिखा हुआ है, जयदेव खुद सुरमंडल बजा रहे हैं और सुदर्शन अधिकार जी तबला और खोल बजा रहे हैं. तो ये देखिए आपकी ये किस किस पाए का काम हो रहा है. एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 1952, आंधियां नाम की फिल्म है और उसके बाद फिल्म आती है हम सफर. तो क्या माहौल रहता होगा उस वक्त जब एक फिल्म बन रही है, उसमें ये किस 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 दर्जे के विरले महारथी संगीतकार बैठे हैं. अद्भुत है ये ऐसे ऐसे नामों को देखना. और चूंकि अली अकबर खान साहब के शिष्य रहे जयदेव जी और बाबा के घराने से, तो हम पाते हैं कि उनके संगीत में सरोद का एक प्रमुख प्रयोग मिलता है और उसके कारण एक खास एक डायमेंशन जयदेव के संगीत को मिलता है. और फिर हम सफर नवकेतन की दूसरी फिल्म है, ये 1953 की है, देवानंद एक बार फिर से इसमें, जिसमें कि अली अकबर खान जी संगीत देते हैं. और अब कुछ ऐसा होता है कि उस्ताद अली अकबर खान का कहिए तो मन भर गया बॉम्बे से, जो भी कहिए. सो ही मूव्स ऑन बट जयदेव स्टेज बैक इन बॉम्बे. And now when Jaydev stays back, he gets associated with S.D. Barman, जो मेरा दूसरा पहली प्रश्न था कि S.D. Barman साहब से उनका क्या ताल्लुक था. वो S.D. Barman के असिस्टेंट रहे और उसके बाद समझ लीजिए अगले 6-7 साल तक S.D. Barman ने जितनी फिल्में की हैं सब में जयदेव का एक इंटीग्रल रोल आपको मिलेगा. 1954 में टैक्सी ड्राइवर आती है, 1955 में मुनीम जी और हाउस नंबर 44 आती है, फिर 1958 में काला पानी है जिसमें आप कुछ क्रिएशंस ऐसी पाएंगे जो आप पाएंगे जयदेव के म्यूजिक जैसा उनका एक टोन है, उनका एक फ्लेवर है. और फिर चलती का नाम गाड़ी भी 1958 की है, लाजवंती एक और फिल्म है, और 1959 में सुजाता है यानी 1959 में, और इंसान जाग उठा. और ये देखिए कि इन सारी फिल्मों में जयदेव वाज क्लोजली असिस्टिंग S.D. Barman एंड ही वुड बी लर्निंग अ लॉट, ही वुड बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट. और ये तो देखिए बड़ा मुश्किल होता है कहना कि वो कंट्रीब्यूशन किस किस रूप में है. जैसा अभी संगीता जी ने हमें बताया कि इवन इन लैला मजनू फिल्म के क्रेडिट्स में ये तो कहा गया है कि म्यूजिक गिवन बाय
मदन मोहन जी और जयदेव जी, बट वो डिमार्केशन, वो ईयर मार्किंग नहीं है। तो अब इन फिल्मों के गीतों में, संगीत में तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक साइजेबल, बहुत गहरा कंट्रीब्यूशन रहेगा जयदेव का एस डी बर्मन के इन सब क्रिएशंस में। और यस, यू कैन फाइंड इम्प्रिंट्स, यू कैन डेफिनेटली फाइंड इम्प्रिंट्स ऑफ जयदेव। एंड देन जयदेव गेट्स हिज फर्स्ट बिग ब्रेक आफ्टर एस डी बर्मन। मैं आपको जहां ले जाना चाहता था वो था जयदेव जी का मदन मोहन जी से बहुत एक प्यार भरा संबंध, और हमारा सौभाग्य रहा कि संगीता गुप्ता जी, उनकी सुपुत्री, हमारे साथ हैं, तो उन्होंने हमें बहुत प्यारे संस्मरण सुनाए और उनके बारे में अपने यादें हमारे साथ साझा की। मदन मोहन जी और एस डी बर्मन जी और अली अकबर खान साहब के अलावा, अब उनका जो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जिस यात्रा पे हम आगे बढ़ रहे थे, तो उसको मैं बहुत तेजी से इसलिए आगे बढ़ाता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे और हम आ चुके थे रेशमा और शेरा तक। और रेशमा और शेरा में मैंने आपसे जिन कवि का नाम पूछा था, तो फिर संगीता जी ने उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया था, बाल कवि बैरागी, तू चंदा में चांदनी, वो गीत लता मंगेशकर का है। और एक मीठी सी चुभन, उस ये जो मीठी सी चुभन गीत है, इस गीत के क्रेडिट्स यानी इसके लिरिसिस्ट बताइए, बहुत रेयर गीतकार यानी बहुत रेयर कवि है। अगर आप गूगल करेंगे तो बिल्कुल सही पता चल जाएगा, नहीं तो शायद आपको पता हो। और फिर हम बात कर रहे थे कि इस फिल्म को कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं। जी देखिए, संगीता गुप्ता जी की तरफ से फिर से एक उत्तर आ जाता है, आई विल स्टिल वेट फॉर अदर आंसर्स। एंड देन सुनील दत्त की इस रिमार्केबल लेजेंडरी फिल्म के बाद, जिसमें कि एक तरह से हम जब हमने बात की दो बूंद पानी की, तो दो बूंद पानी वॉज द विजन ऑफ ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास वॉन्टेड टू पोर्ट्रे द रियलिस्टिक सिचुएशन एंड ही बींग सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड, टोटली कमिटेड टू द सोशलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग, सो ही अप्रोच्ड इट इन दैट फॉर्मेट। एंड देन रेशमा और शेरा, जिसमें कि रेशमा है वहीदा रहमान और शेरा है सुनील दत्त, और फिर एक बहुत प्यारा सा बैकड्रॉप है और राजस्थानी एक पर्सपेक्टिव है, सारा का सारा एक यूनिक सेटिंग है जो कि आसान नहीं होता है ऐसी फिल्मों को बनाना। एंड देन वी मूव ऑन टू दी 70s नाउ, दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा 71 में आती हैं, और अब हम पाते हैं कि एक दशक है पूरा 71 से शुरू करके, दो बूंद पानी से शुरू करके, और ये चलेगा गमन तक 79 तक। ये 10-11 साल में जयदेव की कंट्रीब्यूशन के, क्रिएशन के सबसे सबसे इंटेंस और बहुत सारगर्भित वर्ष हैं ये। दिस द एंटायर डिकेड इज ऑफ अमेजिंग कंट्रीब्यूशन बाय जयदेव। ईयर आफ्टर ईयर वी विल फाइंड दैट वी हैव मूवीज फ्रॉम हिम एंड ईच मूवी प्रूव्स टू बी अ माइलस्टोन एंड यू कांट गेट ओवर द म्यूजिक एंड द ट्रैक्स ऑफ एनी ऑफ देम। सो देन वी गेट अ मूवी विच इज मान जाइए, और मान जाइए ये 71-72 के टाइम की बात है। इसी टाइम पे कुछ एक मूवीज और आती हैं, संपूर्ण देव दर्शन है, भारत दर्शन है, भावना है, दीज आर लाइक आई एम जस्ट मेकिंग अ मेंशन ऑफ देम बिकॉज मेनी फ्रेंड्स लेटर ऑन से दैट द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ मेंशन, बट देन वी विल फोकस ऑन मान जाइए। एंड देन आजादी 25 बरस की, इन सारी फिल्मों को अगर सिर्फ मेंशन के लिए हम देखें तो मान जाइए एक फिल्म है जो बीआर इशारा बनाते हैं, और बीआर इशारा इस फिल्म में बहुत, मतलब बीआर इशारा की एक अलग अप्रोच थी फिल्में बनाने की, एंड ही यूज्ड टू हैव अ फंडामेंटली फेमिनिस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग हिज फीमेल प्रोटैगनिस्ट, एंड ही कट अ लॉट ऑफ आइस विद द ऑडियंस, और संगीत की उनकी एक अपनी अलग समझ थी, तो संगीत भी उनकी फिल्मों का बड़ा लोकप्रिय होता था। और फिर इस फिल्म में किशोर कुमार का एक बड़ा प्यारा गीत आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं, और मैं जानता हूँ हमारे एक साथी हैं शशिकांत जी, वो तो ही विल
give this answer even before we can bat an eyelid. तो शशिकांत जी आप उत्तर दे सकते हैं और मैं चैट बॉक्स खोल लूं. लीजिए शशिकांत जी उसका उत्तर दे ही चुके हैं. मैंने पूछा पहले, उन्होंने उत्तर पहले दिया, मुझे नहीं मालूम. बट आप ही नहीं, शशिकांत जी ने नहीं ये उत्तर दिया है, ये उत्तर तो सुरेश अय्यर जी ने दिया है. जी बिल्कुल. तो अब सुरेश अय्यर जी भी किशोर कुमार को गुरुदेव बोलते हैं, इसका मतलब वो शशिकांत के मित्र मंडल में से है. बहुत अच्छी बात है. तो किशोर कुमार का ये गीत, ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है. इस गीत को अगर आप सुनेंगे तो आप किशोर कुमार की आवाज का एक बिल्कुल अलग आयाम पाएंगे. और एक मिनट दीजिएगा मुझे. ये वही गीत है जिसको मैंने, और इसके क्रेडिट्स यानी इसके गीतकार बताइएगा. और नीरज का, शशिकांत जी एक बार दोबारा चेक कीजिएगा, ये नीरज का है या नक्शलायलपुरी का है? आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी में शायद ये नक्शलायलपुरी का है, हो सकता है नीरज का हो. तो जी नक्शलायलपुरी का होना चाहिए. बाकी शायद नक्शलायलपुरी जी का है. नीरज का साथ जयदेव के साथ कभी हुआ? मुझे संदेह है, नहीं हुआ. नीरज का, शैलेंद्र का, इन लोगों का, मजरूह का साथ नहीं हुआ. नक्शलायलपुरी के साथ बहुत काम हुआ और साहिर के साथ शुरू में बहुत काम हुआ. फिर एक समय ऐसा आया कि साहिर के साथ कुछ मनमुटाव हो गया. एंड जी नक्शलायलपुरी का गीत है. और ये जो फिल्म है हम बात कर रहे थे, मान जाइए बी आर इशारा की फिल्म, इसमें दो तीन गाने आपको बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे. ओ मितवा बदरा छाए रे कारे कारे, ओ मितवा बदरा छाए रे कारे कारे, फिर से नक्शलायलपुरी का लिखा हुआ है, लता का गीत है. और फिर इस फिल्म में जयदेव वाणी जयराम को लेके आते हैं और वाणी जयराम से एक गीत गवाते हैं. आपके लिए पहेली का सवाल है, बताइए वो गीत क्या है. और वो गीत भी अपने आप में बहुत मीठा गीत है और उसको वाणी जयराम के साथ एक ड्यूएट है. तो यानी वो ड्यूएट किसके साथ है, वो आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे. और उस गीत में बड़ा प्यारी सी एक कॉन्वर्सेशन है कि तो वो बताइएगा आप, मैं कहीं गलती से आपको उत्तर ना दे दूं. और जी आगे बढ़ते हैं हम. और इसके बाद फिर बहुत प्यारी एक रेयर फिल्म आती है, प्रेम पर्वत, शांति सागर प्रेम पर्वत. और ये जो प्रेम पर्वत है इसको वेद राही बनाते हैं, वन ऑफ लेसन नोन फिल्म मेकर्स. द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल प्रिंट था वो ही नष्ट हो गया. सो वेद राही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि अब ये फिल्म मिलती ही नहीं कहीं, यानी इसको हम देख पाए या ना देख पाए वो तो चलिए. फिर भी इस फिल्म का जो एक गीत है वो जयदेव का एक फ्लैगशिप गीत माना जाएगा. लता मंगेशकर के दिल के भी बहुत करीब है वो गीत. उस फिल्म का नाम, लाइक उस गीत का मुखड़ा बताइएगा और उस गीत के गीतकार का नाम बताइएगा. उन गीतकार के साथ भी नक्शलायलपुरी की तरह बहुत काम है जयदेव का, और अद्भुत गीत है वो गीत. आपको पहाड़ों में, घाटियों में, वादियों में, बादलों में और ठंडी हवाओं में एक ऐसे माहौल में ले जाएगा कि आप, इट्स अ वेकेशन सॉन्ग, इट टेक्स यू ऑन अ वेकेशन, जस्ट लाइक लाफ्टर इज एन इंस्टेंट वेकेशन. ऐसे ही ये गीत है, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये दिल और उनकी निगाहों के साए. और इस गीत को जब आप सुनते हैं तो इसमें जो वाद्यों का प्रयोग है और इसकी शायरी को, इसके कवित्व को उभारने के लिए उस पहाड़ी धुन को जिस तरीके से बिल्ड किया है जयदेव ने और लता ने उसको जैसे निभाया है, आई थिंक इट्स अ सॉन्ग विच यू कैन लिसन ऑन लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आई कैन शेयर माय यंग डेज व्हेन आई वाज Actually, like when I was a teenager, मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, उसमें जयदेव के एक कैसेट में, जयदेव के दो कैसेट्स में से एक कैसेट में ये पहला गीत था. और फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया एक और कैसेट में, सो दैट आई कैन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन. उसके लूप बना लिए, यानी कई कॉपीज एक के बाद एक सुन
तो उस पूरे कैसेट में 60 मिनट्स में यही गीत था, और हम दो तीन दोस्त थे जिन्हें गीत बहुत पसंद था, वो कैसेट हम लगा देते थे और ये बजता रहता था बजता रहता, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था लूप पे सुनने का। सो जी शिव कुमार शर्मा जी और हरिप्रसाद चौरसिया जी, संतूर है बहुत अद्भुत, बांसुरी है, धुन इसमें पहाड़ी अद्भुत है। तो ये मान जाइए नाम की फिल्म आती है प्रेम पर्वत आती है 1973 में, वेदराही की फिल्म है। और जो मुकेश वाला गीत मैंने आपसे पूछा था, जो आप अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया क्योंकि हम इसमें आ गए थे प्रेम पर्वत में, मैंने आपसे मान जाइए मैं एक सवाल पूछा था वाणी जयराम और मुकेश के डुएट का, ले चलो अब कहीं, और फिर उसमें मुकेश पूछते हैं कि सोच लो फिर जरा सोच लो, अगर भरोसा नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का क्या फायदा। तो जी विनय नवरे जी कह रहे हैं अद्भुत पहाड़ी है, बिल्कुल सही बात है। और हाँ जी दबांकुर सेन साहब जिस गीत की बात कर रहे हैं, ये नीर कहाँ से बरसे हैं, ये बदरी कहाँ से आई है, ये भी बहुत कमाल का गीत है। और भी इस फिल्म में प्रेम पर्वत में जो गीत हैं, रात पिया के संग जागी रे सखी, और फिर मैं आपसे पूछूंगा इस गीत को किसने गाया है, रात पिया के संग जागी रे सखी ये बताइएगा। और फिर एक बहुत प्यारा गीत है जिसके कि गीतकार का नाम मैं आपसे पूछूंगा, जानेसार अख्तर थे पिछले गीत के गीतकार, अब अगले गीत के गीतकार बताइएगा, मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में, एक बहुत मीठा गीत है, एक स्त्री मन की अभिव्यक्ति है, एक गृहिणी की तरह एक माँ की तरह सोचती हुई, किसने गाया है और किन्होंने उसको आवाज दी है, यानी जयदेव किन से गवाते हैं उस गीत को। और अब हम प्रेम पर्वत से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए बहुत प्यारे उत्तर हैं और हमारे तो श्रोता जो साथी हैं वो बहुत अद्भुत जानकारी रखते हैं। तो अनूप गडोरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पद्मा सचदेव जी ने इसको लिखा है, और रमाकांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीनू पुरुषोत्तम ने इसको गाया है। और जब हम प्रेम पर्वत से आगे बढ़ते हैं तो हम अब बीच में कुछ एक फिल्में हैं 74-75 के 76 के टाइम में, 74-75 74-77 में, आलिंगन, फासला, एक हंस का जोड़ा, शादी कर लो, ऐसी कुछ फिल्में हैं विच नीड अ मेंशन ओनली, एंड देन वी कम ऑन टू परिणय। और ये बहुत प्यारी सी लेसर नोन फिल्म है जिसमें कि संगीत एक एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन से आता है और फिर से हमें जैसे पद्मा सचदेव, जैसे कि हमने देखा बाल कवि बैरागी या उद्धव कुमार, ऐसे ऐसे रेयर गीतकार हमें जयदेव जी लाके दे रहे हैं, या कि मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना, ऐसे ऐसे गायक गायिकाएं। तो अब परिणय में हम अचानक से एक बहुत प्यारी सी भक्ति रचना पाते हैं जो कि चार गायक हैं, दे सिंग इन टैंडम एंड देन दे क्रिएट दिस वंडरफुल भजन और कीर्तन और भक्ति गीत। आप इसको याद करें और बताएं कि इसको किन्होंने गाया और इसके रचनाकार यानी इसके लिरिसिस्ट कौन हैं। और फिर इसमें एक बहुत ही प्यारा गीत आता है जिसकी पोइट्री मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जी संगीता जी कह रही हैं पद्मा सचदेव जी के बारे में, हमने उन्हें खो दिया तो प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, एंड वी हैड अमेजिंग कंट्रीब्यूशन बाय ऑल दीज लेजेंड्स। एंड देन जी नरेंद्र शर्मा जी नहीं है इसके गीतकार, इसके गीतकार शर्मा बंधुओं में से एक हैं, जिन चार शर्मा बंधुओं ने इसको गाया है। जी 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 रामानंद शर्मा जी के बेटे, और रामानंद शर्मा जी की ये रचना है। और ये जो रचना है इसके अलावा यानी जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने सहारा दिखाया
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, उजियारी पूनम की हो जाएं रातें ज्योति अमावस अंधेरी। ऐसे ऐसे अद्भुत कवित्व को, ऐसे अद्भुत भक्ति रचना को अपने संगीत में बांधना और शर्मा बंधु जैसे चार अद्भुत भक्ति रस के गायकों के द्वारा उसको गवाना और फिल्म में उसको स्थान देना, ये सब किसी आम संगीतकार का काम नहीं है साहब। और मैं रामानंद शर्मा जी की एक और रचना इसी फिल्म में जो है उस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और ऐसे जैसे कि ये भी पहले मैंने आपको एक रचना जो सुनाई थी, गर ये जमीन नहीं तो वो मेरा आसमां तो है, तो ये भी मुझे जयदेव के हृदय से जुड़ी हुई, यानी उनके उनके हृदय के बहुत करीब रचना लगती है। हर तन में कवि, हर मन में कवि, हर तन में कवि, हर मन में कवि, जब गम के दीप जलने लगे, जब गम के दीप जलने लगते, ऐसे में बता तुझे हाय रे क्यों, ऐसे में बता तुझे हाय रे क्यों, प्रीत के गीत भले लगते। ये एक सवाल पूछ रहे हैं कवि, कवि के रूप में रामानंद शर्मा जी और संगीतकार के रूप में जयदेव। ऐसे में बता तुझे हाय रे क्यों, प्रीत के गीत भले लगते। अब आगे सुनिएगा, जब पग पग अपनी धरती पर अंधकार ने डाले हों डेरे, एक मुट्ठी भर दानों के लिए जब मरते बालक बहुतेरे, जब रात दिन हर धन वाला जीवन से गरीबों के खेले, जब जीना एक अपराध लगे, जब मानव दुख पर दुख झेले, ऐसे में बता तुझे हाय रे क्यों, प्रीत के गीत भले लगते। ऐसे में बता हाय रे क्यों, प्रीत के गीत भले लगते। ये हर तन में कवि, हर मन में कवि, ऐसी भावना को लाना और उसको फिल्मों में स्थापित करना और उसको उसको एक गीत के रूप में प्रस्तुत करना, संगीत में बांधना, ये कोई काम, दीज आर नॉट इजी एंड स्मॉल एफर्ट्स। इसके बाद जो रचनाएं जो फिल्में बच गई हैं, हम उन पे लौटते हैं बहुत जल्दी से। मैं अभी उन पे रुकूंगा नहीं, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। जयदेव की कला, जयदेव की प्रतिभा और उनके कंट्रीब्यूशन के डिफरेंट डायमेंशंस को मैं टच करना चाहता हूँ। एक तरह से उनके फिल्मी करियर को हम लगभग कहिए तो 60-70% कवर कर चुके हैं। उनके जीवन का ये आखिरी दशक है, अब 85 तक वो जो कुछ प्रोमिनेंट फिल्में करेंगे, मैं उनके नाम आपको दिखा देता हूँ एंड वील कम बैक टू दीज। सो इस फिल्म का बताइएगा, कौन सा एक गीत या कौन सी एक शायरी है जो बहुत ही मकबूल है और जिसमें बहुत गहराई है और जयदेव ने उसे एज इट इज, यानी शायर के कलम से उठा करके, बहुत पुराना कलाम है, और उसको संगीत में बांधा है। और फिर ये भी बताइएगा कि इसको किससे गवाया है, यानी ये जो पहली सवाल है, इसको उन्होंने किससे गवाया है, आंदोलन की अगर हम बात करें। और हम इससे आगे चलेंगे अभी, मतलब इसके हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अगली फिल्म आलाप आएगी, आलाप के बारे में हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद एक फिल्म आती है घरौंदा, वी टॉकिंग ऑफ 70s, और फिर तुम्हारे लिए बहुत प्यारी फिल्म आती है जिसमें कि गीत हुए बहुत मीठे। गमन एक बहुत ही डार्क, बड़ी डिस्टर्ब करने वाली फिल्म है, मुजफ्फर अली की फिल्म थी, मुजफ्फर अली के साथ जयदेव का साथ होता है। और इसके बाद भीमसेन के साथ बड़ा प्यारा साथ रहा दो फिल्मों में, एक दूरियां, एक और बताइएगा, और 16 सावन फिर फिल्म एक आती है। मैं इन पे रुक नहीं रहा हूँ, इनके गीतों पे भी नहीं रुक रहा हूँ, वील बी कमिंग बैक टू देम। एंड देन आई तेरी याद, इसका भी एक बहुत प्यारा गीत है, कम से कम एक गीत तो बहुत प्यारा है, और बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी हम इन फिल्मों के डिटेल्स पे नहीं आ रहे हैं, मैं आपसे इनके बारे में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पसंद के कोई कोई गीत बताना चाहें इन फिल्मों में से तो बताइएगा। और फिर ये एक फिल्म आती है अमर ज्योति, जिसमें जयदेव जी बड़ा मीठा संगीत देते हैं। और देन वी फाइंड दिस अमेजिंग यूनिक मूवी, इसके बारे में बताइएगा, इसको कौन बनाते हैं, किनकी परिकल्पना है, अगर बता सकें तो इसका कथानक बताइएगा कि यानी ये फिल्म किस थीम पे है। और जयदेव ने इसमें चार जो एक अमेजिंग क्रिएशंस दी है, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, लेकिन आप बताइए, तो क्या बताइए कि वो कौन कौन सी है।
यानी सब बताइएगा कि उन चारों के गीतकार कौन है, तो गीतकार बोले तो यानी उनके लेखक कवि कौन है, और उनको गाया किसने है, उनको उनमें से दो के गायक को वापस फिल्मी संगीत में लाना एक समय पे बहुत पहले किसी संगीतकार ने उन संगीत के शिरोमणि आचार्य जी से कुछ गवाया था और फिर अनकही में जयदेव जी ने उनसे गवाया है। तो आइए हम इन फिल्मों के पास लौटेंगे वापस। अभी के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और ये त्रिकोण का चौथा कोण मैं समझता हूँ लगभग लगभग जयदेव जी की 1986 की आखिरी फिल्म मानी जाए, और इसके बाद जयदेव जी को वी लूज हिम, हम इन्हें खो देते हैं। और तो इस तरह से हमने उनके करियर को देखा। वील गो बैक टू द करियर एंड वील गो वन बाय वन टू द सॉन्ग्स एंड ऑफ द लेटर फिल्म्स वी आर डेफिनेटली वी हैव टू विजिट द सॉन्ग्स। पर जो मैं आपसे अब कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि इस कार्यक्रम में वो वाले गुण, वो वाले कुछ स्पेशल मेंशंस, जिन जिन बातों के लिए जयदेव के गीत संगीत को हम जानते हैं, जयदेव के गीतों में संगीत में अद्भुत कोमलता मिलती है आपको, टेंडरनेस मिलती है, रात भी है कुछ भीगी भीगी, ये गीत क्या हम चला पाएंगे, रात भी है कुछ भीगी भीगी, मुझे जीने दो। इस गीत की पहले तो इस गीत के एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके क्रेडिट्स बताइएगा, यानी इसके गीतकार बताइएगा। और जी रमाकांत जी जो आप उत्तर दे रहे हैं वी विल कम बैक टू दैट, और अभी के लिए हम जी बिल्कुल तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, ये गीत भी इतनी कोमलता लिए बाद में भी कई फिल्मों में। तो सिर्फ ये है कि इन गीतों को अगर मैं आपसे मेंशन ही करता चलूं तो ही आप उनके आनंद में डूब सकते हैं। जो जो गीत हम चला पाएंगे उसका एक अलग आनंद होगा। जी प्लीज, हाँ प्लीज चलाइए। तो इस गीत की छोटी सी बानगी सुनिए। जी ये गीत मुझे जीने दो फिल्म से मैं चाहता हूं आप सुने, और ये बताइएगा कि इसके इसके गीतकार कौन है, और ये भी बताइएगा कि इस फिल्म को किसने बनाया था, आप जानते होंगे लेकिन फिर से बताने की कोशिश कीजिएगा, और इस फिल्म को लिखा किसने था, वो सुनील का दोस्त। जी आपने सुना। और देखिए इसके मैं आपको इस गीत के अगर बोल आपसे पूरे शेयर करूं तो आप इसकी टेंडरनेस देखिए, अभी आपने सुना, किसको बताएं कैसे बताएं, आज अजब है दिल का आलम, चैन भी है कुछ हल्का हल्का, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, छम 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 छम, तपते दिल पर यूं गिरती है तेरी नजर से प्यार की शबनम, अगर आप
में से जो साथी शायरी से कुछ रابطہ रखते हैं और गहराई से शायरी में दखल है उनका, तो आप फैज की एक नज्म को इस वक्त याद कर पाएंगे यहाँ, तपते दिल पर यूं गिरती है तेरी नजर से प्यार की शबनम। बनिस्बत इसके कि मैं आपको उस नज्म के कुछ हिस्से सुनाऊं, मैं चाहूंगा कि पहेली के रूप में आप फैज की उस नज्म को अगर एक दो साथी भी बता पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें कि फैज कुछ बहुत दूर से किसी अपनी एक विरह जैसी भावना का, दूर से आती हुई आवाज का और उसका एक इजहार करते हैं। कोशिश कीजिए इस बात का उत्तर देने की। तपते दिल पर यूं गिरती है तेरी नजर से प्यार की शबनम, जलते हुए जंगल पर जैसे बरखा बरसे, रुक रुक थम थम छम 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 छम। होश में, अब देखिए, होश में थोड़ी बेहोशी है, बेहोशी में होश है कम कम, तुझको पाने की कोशिश में दोनों जहां से खोए गए हम। अब साहिल लुधियानवी ने इसको जिस कोमलता पे लिखा है जाकर के, लगभग मतलब जयदेव ने अपने संगीत में उसको पूरी तरह से निभा दिया है। और ये क्या एल्केमीज क्रिएट होती थी साहब। और देखिए, मैं एक और गीत आपको इस मौके पर सुनवाना चाहूँगा जो मैंने शुरू में आपको सुनवाया था। ये अनूप गडोरिया जी की पसंद है और आपके आपके जरिए हम चाहते हैं कि इस गीत को सभी सुने। और आइए इसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसके क्रेडिट्स क्या क्या हैं। और देखिए, आप इस गीत का थोड़ा सा हिस्सा सुनिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर सांस बेकरार
जी मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था और आप सभी वो महसूस कर रहे हैं, उस कोमलता को, उस टेंडरनेस को जो जयदेव के संगीत का एक अभिन्न अंग होती थी। और ऐसे गीत जयदेव ने पूरे जीवन दिए हैं, पर जिस फिल्म पे हम अभी थे, ये एक रेयर गीतकार, यानी जिन्होंने इसके गीत लिखे हैं वो बहुत रेयर हैं। इन्होंने ही ये फिल्म भी बनाई थी और उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी था, तो उनका नाम आप बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि उनके लिखे हुए एक दो गीत और सुन लें, क्योंकि ये जो गीत आपने सुना ये आप फीमेल वॉइस में सुनते हैं। और उसके अलावा जयदेव का एक अद्भुत प्रयोग होता था कि एक ही फिल्म में अगर 8 गीत हैं तो वो 8 गीत अलग अलग गायक गायिकाओं से गवाएंगे, और ये उनकी हिम्मत थी, उनका करेज था। तो इस फिल्म में एक गीत तलत का आपको मिलेगा, इस फिल्म में एक गीत मुकेश का मिलेगा, इस फिल्म में एक गीत मन्ना डे का मिलेगा, और फिर डुएट्स भी आगे आएंगे, फिर रफी का एक गीत मिलेगा, लता है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी संभव है अभी 2-3 गीत तो आप सुनिए कम से कम इस मौके पे, जिससे कि आप इस बात का एहसास कर सकें कि एक ही फिल्म में ये जो हमारे लेजेंड थे, हमारे नक्षत्र के अद्भुत सितारे जयदेव, ये क्या कुछ क्रिएट कर जाते थे। अब मैं ये चाहूंगा कि आप गजलों में उन्होंने जो एक महारत हासिल की थी, जिसके लिए कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जयदेव को कभी मिलता नहीं है, लेकिन गजलों को संगीत में बांधने की हिम्मत और उस बीड़े को उठाना, ये उन्होंने बहुत ही सलीके से निभाया, इस बीड़े को उठाया भी, और इसको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से निभाया कि मैं आपके सामने कुछ गजलों के सिर्फ पहले पहले मिसरे मेंशन कर रहा हूं। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, देखिए याद कीजिए, और फिर सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, उसको भी आप याद करने की कोशिश कीजिए, और फिर देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया, तलत महमूद। और फिर एक गजल मैं चाहूंगा, एक और टेंडर गीत है बहुत प्यारा सा, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, इसमें हंसी का भी पुट है, उस पे भी हम जाएंगे। और फिर जहर देता है मुझे कोई दवा देता है, जो भी मिलता है मेरे गम को बढ़ा देता है, मेरे दुख को बढ़ा देता है। इन इन गीतों को सुनिए तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप ये किनारे किनारे का एक और गजल उसकी सुने और देखिए कि उसमें क्या जादू जयदेव ने क्रिएट किया है। बस मेरा दिल भर गया, देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया, देख ली तेरी खुदाई। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का परे, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का परे, मुझ पे यूँ छाया के मुझको, मुझ पे यूँ छाया के मुझको, घर से बेघर कर गया, देख ली तेरी खुदाई।
क्योंकि मुझे आपको बहुत सारे गीतों की वानगी सुनानी है, तो थोड़ा थोड़ा सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और इन गीतों का आप YouTube पे सुनिएगा, इनका आनंद उठाइएगा। मैं आपको किनारे किनारे में ही रहते हुए, यानी इस फिल्म में रहते हुए, एक और गीत के पास ले चलता हूँ, और देखिए उसका भी, उसका मेयार भी देखिएगा और उसकी उसकी कॉम्पोजिशन देखिए, उसका उसकी मिठास देखिएगा। और अब ये देखिएगा कि गायक बदल जाएंगे, उसी फिल्म में बात जयदेव कहाँ पहुंचा देंगे। आप मन्ना डे को सुन चुके हैं, मैं बहुत सारे गीत तो नहीं आपको सुना पाऊंगा, पर आप तलत महमूद को सुन चुके हैं, आप लता को सुन चुके हैं, अब देखिए ये गीत सुनिए आप, इसका इसकी एक वानगी सुनिए, और इसको हम टाइटल सॉन्ग भी मानेंगे। चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं। न साहिल की परवाह, न तूफान का डर है, न जुल्मों का शिकवा, न गम का असर है। न साहिल की परवाह, न तूफान का डर है, न जुल्मों का शिकवा, न गम का असर है। उम्मीदों के पल पर दिलों के सहारे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं। ये आपने अलग अलग वानगी देखी, और ये बिल्कुल सही बात है कि देवानंद के लिए वेरी रेयरली, बहुत कम मन्ना डे की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है, पर जयदेव का ये आकलन है, उनका जजमेंट है, और बिल्कुल सही बात है कि कितनी कितना ठहराव है उनके उनके हर काम में। और यहाँ पर मैं आपको ले चलना चाहूँगा उनके, जयदेव जी के कुछ और गुणों की तरफ, यानी मैं आपको एक तरह से हाईलाइट करते हुए ये आपके सामने लाना चाहूँगा कि कोमलता के अलावा उनके गीतों में, उनके संगीत में बहुत प्यारी सी एक मिठास मिलती है, एक एक लालित्य है उनके संगीत में, और जो मदिरता है उसके लिए उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ऐसे गीतकारों को चुना और फिर ऐसे गायक गायिकाओं को मौका दिया, और विशेष तौर पे उनको वो आगे लेके आए। और शुद्धता यानी प्योरिटी एक एक ऐसी चीज है जो उनके संगीत का एक हॉलमार्क है, वो कहीं भी मिलावट में विश्वास नहीं रखते हैं जयदेव, जो काम करेंगे प्योरिटी से करेंगे, पूरे प्योरिटी से, और रादर वी कैन कॉल हिम अ प्योरिटन एंड अ परफेक्शनिस्ट एट दैट। और वो खुद भी कहते थे अगर आज वक्त नहीं मिला तो हम इस कार्यक्रम को एज अ सीक्वल एक्सटेंड कर देंगे अपनी अगली बैठक में, क्योंकि जयदेव जी के बारे में मतलब एक उनके उनके अद्भुत
कला संसार को, सृजन संसार को इस तकरीबन 2 घंटे में बांधना आसान तो नहीं है, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि उनके काम के साथ अन्याय हो उनके नाम के साथ। तो हम वो बातें आगे भी आपसे कर लेंगे। जयदेव जी की कुछ एक रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास थोड़ी रेयर, जिसमें उन्होंने खुद ये इकबालिया कहा है कि अगर आप शास्त्रीय संगीत वाले माने जाएंगे तो फिर फिल्म लाइन में आपके लिए आगे बढ़ना उतना आसान नहीं होगा। तो चलिए वो भी आज अगर वक्त नहीं मिला तो फिर हम इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाएंगे एज अ सीक्वल, तो उसमें वो रिकॉर्डिंग्स हम आपको एक दो छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं जरूर सुनाते हैं। जयदेव जी का खुद का गाया हुआ हिस्सा भी मिलेगा। और एक गहरी इंटेंसिटी मिलती है, डेप्थ है उनके काम में, जो गहनता है, गहराई है, वो ऐसी है कि पहली बार में आपको वो बांध लेंगे। उनके उनके काम का जो आकर्षण है वो ऐसा है, और उसके बाद आप उसे बार बार उस काम से मिले, उस संगीत से मिले, तो आप उसकी गहराई में उतरते चले जा सकते हैं, विच इज द हॉलमार्क ऑफ एनी क्लासिक प्रोफाउंड क्रिएशन, दैट इवन एट फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट connect, it'll grasp you, and then once you meet that creation again and again, you will still be finding depth in it. And then literary beauty की बात अगर हम करें, साहित्यिक सौंदर्य को उभारने में जयदेव का कोई मुकाबला नहीं है, और हम आभारी हैं, हम ऋणी रहेंगे परमात्मा के। मैं हमेशा मानता हूँ कि जयदेव जैसे संगीतकार उन्होंने हमें दिए, और जिन 3 संगीतकारों के नाम मैंने लिए थे जयदेव के साथ, उनका नाम मैं फिर लेना चाहूँगा जयदेव के अलावा, मदन मोहन और खयाम, इन इन संगीतकारों ने साहित्यिक सौंदर्य को, शायरी के की ब्यूटी को जितना उभारा है, और अपने संगीत को उतना ही रखा जिससे कि कवित्व निखर के आ सके, ये बहुत बड़ा काम रहा है फिल्मों में रहते हुए, क्योंकि मिनिमलिस्टिक म्यूजिक देना जयदेव ने शायद सीख लिया था, और उसको बिल्कुल ऑप्टिमल रखते हुए वो कहीं समकक्ष खड़े मिलते हैं हमको बाकी अपने ऐसे 2 साथियों के, जहाँ की संगीत लाउड नहीं होता और पोइट्री पे हावी नहीं होता, ऐसा ही हम पाते हैं खयाम के यहाँ भी और मदन मोहन के यहाँ भी। और बहुत जहीन इंसान थे, साहित्य की गहरी समझ रखते थे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और भी कई भाषाओं पे उनका अच्छा अधिकार था, और अपने तरीके के आला फनकार थे, जिंदगी अपने टर्म्स पे जी, जैसा भी संगीता जी ने भी बताया, शादी नहीं की थी उन्होंने, और उसका कारण वो यही बताते थे कि मैं अपने फन के साथ ही पूरा डेडिकेटेड रहना चाहता था, और मुझे लगता नहीं था कि मैं कहीं और न्याय कर पाऊंगा, सो ही डिड नॉट बिल्ड अ फैमिली। सो अ वंडरफुल यूनिक काइंड ऑफ अ पर्सन, और उनका काव्य प्रेम, शायरी, हम इसकी बात आपसे बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी क्रिएशंस जो कि आज अपने आप में ना सिर्फ मील का पत्थर हैं, बल्कि जब भी हमें ऐसे ओकेजन्स आती तो हम जयदेव की रचनाओं की शरण में जाते हैं, जैसे माता सरस्वती शारदा। अब माता सरस्वती शारदा एक ऐसी क्रिएशन है कि वो आप जब भी कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम करना चाहें या कुछ, तो आप उसकी शरण में जाएंगे, और चाहे वो कॉलेज के या स्कूल के फंक्शंस हों या किसी आपकी अपनी कल्चरल बॉडी का फंक्शन हो, अगर हम इसका कोई हिस्सा आपको सुनवा सकें तो बहुत अच्छा होगा जी, प्लीज़ इसको दिखाइएगा। और फिर इसके अलावा मधुशाला को उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से निभाया है, मैं चाहूँगा कि मधुशाला का भी कोई छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनवाएं। और जब हम गज़लों की बात कर रहे थे तो हरिहरन की बात बिल्कुल सही हो रही थी, वो एक गज़ल बाद में आती है जिसमें कि माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरिणी, जगत जननी मारा की माता सरस्वती।
मौके पे आपने ये सुना माता सरस्वती शारदा, इसी मौके पे मैं ये चाहूंगा कि इतनी अद्भुत साहित्यिक रचना को सुनने के बाद, जो कि एक प्रार्थना भी है, आप एक रचना और सुनिए जो कि यूनिवर्सली एक्लेम्ड भी है और ऐसे किसी भी मौके पे मैं समझता हूँ बिल्कुल निष्प्रह भाव से बजाया दिया जाता है इस रचना को। आप इसको सुनिए और इसकी गहराई का, इसके इसके प्रोफाउंडनेस, इसके प्रोफाउंड क्वालिटी का आकलन कीजिए। आपने सुना हम अभी भी ट्रेवल्ड इन टाइम बैक टू हम दोनों, और मैं चाहता था माता सरस्वती शारदा के साथ आप इस गीत को भी सुन सके जो एक अद्भुत भक्ति रचना, प्रार्थना या एक मनोभाव, एक आत्मा की पुकार है और बहुत ही यूनिवर्सली एक्लेम्ड है। और इसी समय मैं चाहूँगा कि आप मधुशाला की बांधगी भी सुन लें, क्योंकि मधुशाला को जब संगीत में बांधने की बात आई तो जयदेव जी ही उसके लिए चुने गए। हरिवंश राय बच्चन जी, जिनको आप देख रहे हैं वीडियो के इस पहले शॉट में बैठे हुए, मन्ना डे को चुना गया, और कहीं पे शायद रिजर्वेशंस थे अलग अलग तरीके के, लेकिन मन्ना डे जी ने अपने उच्चारण से और बिल्कुल सही सही कवित्व को उभारने के जो उनके पास योग्यता है उससे जयदेव जी के विश्वास को पूरा का पूरा बरकरार रखा। ही अपहेल्ड द ट्रस्ट, और आज हम इतनी अद्भुत इस नॉन फिल्मी रचना को अपने बीच में पाते हैं। इसकी कुछ बांगी सुनिएगा। Thank you.
छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हालात, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हालात, आने के ही साथ जगत में आने के ही के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। जी तो ये आपने मधुशाला को सुना, और पिछले जो मैंने आपके सामने गीत प्रस्तुत किए उनके, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा ग्राउंड कवर करना होता है, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े ही आपके सामने रखने का मौका है, और आप इन गीतों को YouTube पर ज़रूर सुनिएगा। और जब जिन फिल्मों को मैंने आज अभी डिटेल में टच नहीं किया है, जिसमें कि मैं एक बार फिर से नाम ले देता हूँ, आलाप, घरौंदा, तुम्हारे लिए, दूरियां, गमन, अमर ज्योति और अनकही, इन फिल्मों में समय ऐसा दिख रहा है, समय की सीमा ऐसी है कि आज हम इनके डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चैट बॉक्स में अपनी पसंद बता रहे हैं अपने गीत और फिल्मों के बारे में। इन फिल्मों के गीतों तक हम वापस ज़रूर जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह तेरो नाम को जब हमने सुना तो उसी फिल्म में प्रभु तेरो नाम एक और रचना है, वो भी बहुत गहरी रचना है और उसका अपना एक अलग वजूद है। आलाप के गीतों के बारे में हमें और गहराई से बात करनी है, और मैं कुछ और जो जयदेव जी के कुछ गुण हैं, सम मोर वर्चूज एंड क्वालिटीज ऑफ हिज क्रिएशंस एंड म्यूजिक, उन पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। और बहुत शुक्रिया आप सब जो ये बहुत प्यारी प्यारी बातें चैट में लिख रहे हैं इसके लिए। और मैं चाहूंगा कि हम जयदेव जी से थोड़ा सा और मिल लें, उनके उनके गुणों से और उनके लोक संगीत का एक बहुत प्यारा सा कमांड मिलता है हमें। ट्रेडिशनल एंड फोक म्यूजिक वाज वन ऑफ द फोर्टेज ऑफ जयदेव जी, और उसमें देखिए नदी नारे न जाओ शाम पहियां पढ़ूं, उसकी बात हम कर चुके हैं। रेशमा और शेरा में राजस्थानी मांड की जो एक विरहिणी की विकलता है, तू चंदा में चांदनी, तू तरवर में शाख, तू बादल में बिजली, तू पंछी, ये ऐसे ऐसे और कितने ही गीत बनाए हैं। पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मोल मंगाई रे, ये गीत आप सुने एक समय पे, ये उन कुछ गीतों में से हुआ करता था जिन पे कि शादी ब्याह में घरों में स्त्रियां नाचने के लिए इसी तरह के गीत प्रयोग होते थे, तो ये दो बूंद पानी का ये अद्भुत गीत था। और भी कितनी ही जगह हम पाते हैं कि उनका है, आपके पास ये गीत है नदी नारे न जाओ, सुनवा दीजिए प्लीज। तेरे पहिया पढ़ू नदी नारे न जाना, और जाना
नदी नारे न जाओ शाम पैया परू, नदी नारे न जाओ शाम पैया परू, पैया परू शाम पैया परू, पैया परू शाम पैया परू, नदी नारे न जाओ शाम पैया परू, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, नदी नारे जो जाओ तो, नदी नारे है नदी नारे शाम, नदी नारे जो जाओ तो, जब करो जब करो जब करो, बीच धारे ना 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 बीच धारे न जाओ शाम पैया परू, बीच धारे न जाओ शाम पैया परू, बीच धारे न जाओ शाम पैया परू, तोरे पैया परू, बीच धारे न जाओ शाम पैया परू, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, हादसा याद ये आता है तो हंस लेता हूँ, मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना कचरा, मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना कचरा, जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता हूँ, कोई दावा नहीं फरियाद नहीं तंज नहीं, रहम जब अपने पे आता है तो हंस लेता हूँ। इतना प्यारा सा कलाम, न्याय शर्मा ने हमें ये गीत दिए, बहुत प्यारे प्यारे, और जयदेव ने उनको संगीत में बांधा किनारे किनारे जी। और बहुत बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ आपके सामने और लाई जाए। देखिए एक बार मैं इस कम से कम इस गुणात्मक यात्रा को तो आपके साथ पूरा कर लूं, लोक संगीत की और बातें हम लौट के कर सकते हैं फिर से। बहुत गहरा शांति का सुकून का एक राग, एक एक अंतर तत्व आपको सब टेक्स्ट एक अंडरकरेंट मिलता है उनके संगीत में, और अभी तक जो आपने गीत सुने उनमें सब में ये बात आपको मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब हम मिलते हैं जयदेव जी पे सीक्वल प्रोग्राम में तो हम और ऐसे कुछ गीत आपको इन इन्हीं गुणों पे सुना सके। हिज म्यूजिक इज वेरी रिलैक्सिंग, इट क्रिएट्स सम पीस इन यू, बहुत ठहराव है उनके संगीत में, एंड इट अकॉर्ड स्टेबिलिटी टू यू आल्सो टू द लिसनर आल्सो।
and which is a wonderful quality which doesn't come easily, and this requires some deep spiritual being of that person which is connected to the maybe the universal ये जो आध्यात्मिकता का एक गहरा उनका उठ रहा होगा, उनकी एक अपनी अंतर यात्रा, ये सब उसके कारण ही हो सकता है. ओरिजिनलिटी बहुत थी जयदेव जी के काम में. आई डोंट बिलीव दैट ही एवर एवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन बीइंग ओरिजिनल. ही हैज बीन आउट एंड आउट ओरिजिनल. मौलिकता उनके संगीत का एक बड़ा फलमार्क रही है. और क्रिएटिविटी इतनी थी कि कई बार आप एक गीत में दो दो तीन तीन चार चार गीतों के हिस्से पाएंगे और ऐसा लगता है कि और कोई संगीतकार होता तो शायद उनसे कई गीत बना लेते. तो मैं ऐसे गीत आपको चाहूंगा इन सभी गुणों पे एक एक दो दो गीत सुनाऊं. आज का समय उतनी नहीं इजाजत देता है, तो अगली बार हम इस विषय पर जरूर बात को आगे बढ़ाएंगे. और excellence was one thing which he pursued and that is found in each of his creations. Utkrishtata unke kaam ka mool tattva hai. Nowhere will we find any of his creations short of excellence, and that's an amazing thing. गायक गायिकाओं के साथ उन्होंने अनोखे प्रयोग किए. मैं आपको बार बार कई सारे नाम बताता रहा हूँ. अब मैं एक बार फिर से आपके सामने सिर्फ नामों की फेहरिस्त पढ़ देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इतनी लंबी फेहरिस्त है ऐसे गायक गायिकाओं की जिनको कि आप और जगह पाते नहीं है और जगह सुनते भी नहीं है. विनोद देसाई से यह यात्रा बहुत पहले शुरू होती है. ML वसंत कुमारी, विनोद देसाई, ओ मस्त नजर तू चाहे अगर गीत है वो किनारे किनारे में. और फिर उसके बाद ML वसंत कुमारी, जाति स्वरम का उनका है, एक टुकड़ा है वहाँ. और फिर हम देखते हैं कि रेशमा और शेरा में परवीन सुल्ताना की बात हुई, मीनू पुरुषोत्तम की बात हुई, लक्ष्मी शंकर, और फिर अंबर कुमार, भूषण मेहता, श्रीकांत मोघे, अंबर कुमार फिर से. और फिर हम देखते हैं जब हम मान जाइए फिल्म में वाणी जयराम को लेके आते हैं. और बाकी जो हमारे सभी गायक गायिका हैं उनके साथ तो चल ही रहा है उनका संबंध, यानी लता है, गफी है, किशोर है, मुकेश है, मन्ना डे है, तलत महमूद है, उनके साथ तो रेगुलर जो गीत जैसा वो सोचते हैं जिसके हिस्से में जाना चाहिए वो देते हैं. मीनू पुरुषोत्तम से फिर काफी काम करवाते हैं वो करवाते हैं. और भूपिंदर सिंह को आंदोलन में यानी ये दरो दीवार पे हसरत से नजर रखते हैं. मैंने आपसे पहली में सवाल पूछा था, दरो दीवार पे हसरत से नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं. ये गीत इसके तो इसके बानगी में आपको अगली बार जरूर सुनवाऊंगा. ये अद्भुत है और 1977 की फिल्म है आंदोलन. और फिर हम पाते हैं कि राजेंद्र मेहता से वो एक गीत गवाते हैं परिणय में, हर तन में कवि, जिसकी कविता मैंने आपको सुनाई थी, हर मन में कवि. और शर्मा बंधुओं से वो भक्ति गीत है. और उसके अलावा फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दिलराज कौर जैसा भी बात हो रही थी, मधुरानी, कुमारी फैयाज, और फिर असरानी तक से वो कुछ गीत गवाते हैं. और फिर यशुदास से काफी अच्छा काम उन्होंने करवाया और हरिहरन को उन्होंने लॉन्च किया, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया. और हरिहरन एक आपके लिए कई साथियों ने तो जवाब दिया है यानी अपनी तरफ से बोला है, पर हरिहरन का वो गीत या वो गजल आप बताइए, और रेयर है और उसको सुनने में बड़ा एक अच्छा अनुभव भी होता है. उषा मंगेशकर से गीत गवाते हैं, मोरे तरस गए नैना तुम्हारे लिए में. और फिर सुरेश वाडकर से बहुत प्यारा काम उन्होंने करवाया, छाया गांगुली को वो लेके आते हैं. बताइए छाया गांगुली का कौन सा कलाम है, उसका किस शायर से ताल्लुक है, और उस शायर के अलावा एक और शायर से भी उस कलाम का ताल्लुक है. यानी दो बहुत ही मार्के के नेशनल इंटरनेशनल रेनाउन वाले शायर हैं. और जिस फिल्म में हरिहरन गाते हैं उसी फिल्म में हम छाया गांगुली को भी पाते हैं, एक युवा गायिका थी उस समय, और उनको उन्होंने बहुत अच्छे से उस गजल को गाने के लिए प्रेरित किया. हीरा देवी मिश्रा
और तो ऐसे हम पाते हैं कि गायक गायिकाओं के साथ अनोखे प्रयोग वो करते रहे। और इन सभी गीतों की वानगी मैं चाहूंगा अगली बार आपके साथ। और बिल्कुल ये वाली बात न सिर्फ गायक गायिकाओं के ऊपर लागू होती है बल्कि गीतकारों पे भी लागू होती है। और कितने ही नाम हम अभी तक जिक्र में ला चुके हैं जो कि उन्होंने कहीं से भी, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल की ये रचना दरो दीवार पे हसरत से नजर रखते हैं, बाल कवि बैरागी से गीत लिखवाने, और फिर जो बहुत ज्यादा कॉमन गीतकार नहीं थे नक्श लायलपुरी, कैफी आजमी, और फिर उद्धव कुमार, फिर राजेंद्र कृष्ण के साथ भी उनका काम रहा, पद्मा सचदेव, जानिसार अख्तर के साथ बहुत काम हुआ, और फिर आलाप में तो बच्चन यानी हरवंश राय बच्चन की भी रचना है आप पहेली के रूप में बता सकते हैं। और पारंपरिक गीतों को यानी जिनको हम लोकगीत कहते हैं उनको एज इट इज उठा करके, यानी कि उनको लिखने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं होते पर जनमानस ने वर्षों में सदियों में उन गीतों को रचा होता है, उनको एज इट इज उठा करके सुरों में बांधना। राही मासूम रजा को हम फिल्म लेखन, डायलॉग लेखन और उपन्यास लेखन के लिए जानते हैं। राही मासूम रजा की शायरी को, कविता को उन्होंने सुरों में बांधा है। तो ऐसे उनके जो अद्भुत साथ और प्रयोग रहे गायक गायिकाओं और गीतकारों के साथ वो आसान नहीं है किसी भी संगीतकार के लिए। तो ये सारी बातें मैं जहां तक आ गई हैं, मैं चाहूंगा कि इस मौके पे जैसे कि हमारी परंपरा है तो ये निवेदन करते हुए कि जयदेव जी के पास हम लौटेंगे। आज का समय लगभग 2 घंटे का काफी नहीं है जयदेव जी के प्रतिभा का आकलन करने के लिए और उनका उसकी एक वानगी भी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, फिर भी एक कोशिश की है और इसके जो हिस्से हमें और डिटेल में विजिट करने हैं, सो वी विल विजिट इट इन अ सीक्वल डेडिकेटेड टू जयदेव जी इन द कमिंग वीक। और हम अभी के लिए आपको लिए चलते हैं अपने अमूल्य विरासत डाइजेस्ट के 24वें अंक में, जिसमें कि जैसा हम हमेशा आभार प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं कि हम प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन के आभारी हैं। जो कुछ एक जयदेव जी की क्लिप्स में आपको सुनवाना चाहता था वो आकाशवाणी के एक इंटरव्यू से भी हैं, इसलिए हम उनके आभारी हैं। वो क्लिप्स हम अगली बार आपको सुनवाते हैं जयदेव जी के सीक्वल में। और जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे अगर आप उनके उत्तर देते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। और मैं अभी तो नहीं आपके कुछ उत्तर कुछ देर से पढ़ पाया हूँ, पर जो जो आप लिख रहे हैं बिल्कुल सही, अजीब सानेहा सही उत्तर है हरिहरन वाले गीत का। और जी ठाकुर देसाई सैंग यूजिंग द नेम ऑफ हिज सन विनोदी, अनूप गडोरिया जी हमें बहुत रेयर जानकारी दे रहे हैं, और मखदूम मोयुद्दीन यानी सुल्तान ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आपकी याद आती रही रात भर गमन में ये इस गजल को लेना। और इस गजल पे मैंने आपसे कहा था किसी और शायर का भी कोई ताल्लुक है इस गजल के साथ, यानी मखदूम मोइनुद्दीन को याद करते हुए इसी जमीन पे, इसी काफिया और रदीफ पे एक और बहुत बड़े शायर ने एक कलाम लिखा है, उसको भी आप याद करें तो बहुत मजा आएगा। मुश्किल सवाल है ये। खैर फिलहाल के लिए हाँ, आलाप में डॉक्टर राही मासूम रजा बिल्कुल सही बात है, और कोई गाता मैं सो जाता वो बच्चन जी की रचना है। और जी अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्लैशबैक में बहुत जल्दी से उन कार्यक्रमों को याद कर लें। पिछले हफ्ते हम मोहम्मद रफी जी की स्मृति में ओपन माइक में सभी साथ थे यहाँ, और आप सभी ने अपना 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 गाना गाया या अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपना आइटम प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा रहा था, काफी मैराथन सेशन था तो उसको बहुत प्यार मिला आप सभी का। और उससे पहले के भी हमारे दोनों ओपन माइक दे वर रिसीव्ड वेरी वेल, जो हमने सावन के विषय पे किया था, और उससे पहले उसके बाद हमने देवी कुमार जी की स्मृति में किया था।
और आराधना मेरे ख्याल में वो पहली फिल्म थी या गाइड पहली फिल्म थी जिसको कि हमने क्लासिक्स के सेक्शन में कवर किया था, आराधना को कवर किया था उसके बाद, और आनंद फिर हुई है, फिर जंजीर को कवर कर चुके हैं। बहुत समय हो गया, किसी फिल्म के पास लौटना है, मुझे कई साथियों के संदेश आ चुके हैं, प्रकाश मेहरा जी को हमने याद किया था। जी संगीता जी कुछ लिख रही हैं, सुर सिंगर सम का टैलेंट कॉन्टेस्ट में हरिहरन, छाया गांगुली, कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर को सेलेक्ट किया था। जी जयदेव जी ने, तो ये बहुत प्यारी जानकारी है, सुर सिंगार के टैलेंट कॉन्टेस्ट में जिन जिन यंग गायक गायिकाओं को सिलेक्ट किया था जयदेव जी ने, हरिहरन, छाया गांगुली, कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर को, और नौशाद जी भी थे उनमें, और संयोग से मैंने वो कार्यक्रम देखा है, तो बड़ी प्यारी यादें हैं, मीठी यादें हैं उस कार्यक्रम की। और मदन मोहन जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ था। आई वॉज वेरी यंग बट देन हैड द फॉर्च्यून ऑफ व्यूइंग इट इन सम पार्ट्स। और फिर जयदेव जी ने एक एक करके उन सभी को चांस दिया। तो ये कमिटमेंट देखिए कितनी बड़ी होती है कि आप यंगस्टर्स को, ऐसे सभी यंगस्टर्स को जिनमें प्रतिभा है, जिनमें टैलेंट है, उनको पहले तो उस प्रतिभा को पहचानते हैं, फिर उनके लिए जगह बनाते हैं, उनके लिए मौके क्रिएट करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। ये काम आसान नहीं है, खास तौर पे ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ की इतने बड़े बड़े दिग्गज पहले से स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका इसके लिए। और जी तो हम अभी इस यात्रा को पूरा कर लें। नासिर हुसैन साहब को हमने याद किया था, बहुत कमाल की जर्नी उनकी, और हमें गजब का एंटरटेनमेंट दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा गीत संगीत भी। और अंदलीप सुल्तानपुरी मजरू जी के बेटे आए थे उसमें, माधव जी के साथ प्यारी सी कॉन्वर्सेशन थी। और अभी हाल में दिनेश शाह जी हमारे साथ थे, कल्याण जी भाई के जन्मदिन पर, कल्याण जी आनंद जी को हमने याद किया था। और ये आप देख रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को मीडिया का प्यार भी मिलता है। और यहाँ हम बात उन सबकी करना चाहते हैं इस सेक्शन में, चिरागा में, जिनको कि जिनका कोई ताल्लुक है इन तारीखों से। गुलशन बावरा जी पे कार्यक्रम मैं बहुत जल्दी करना चाहूंगा, 7 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है। बहुत कमाल के गीत दिए हैं, झूमते हुए, मस्ती भरे, और हमारे देश को एक बहुत प्यारा देशभक्ति का गीत भी दिया है गुलशन बावरा ने, दोस्ती के गीत भी दिए हैं, मोहब्बत के गीत भी दिए हैं, क्या कुछ नहीं दिया है उन्होंने। और खास तौर पे आर डी बर्मन के साथ बहुत प्यारी दोस्ती भी थी, टीम भी थी उनकी, और बहुत शुक्रिया। एंड हम गुलशन बावरा जी के पास पहुंचेंगे, और पी जयराज जी को भी हम याद करते हैं। 8 अगस्त के शुरू के समय में आप ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से, और मूक फिल्मों के यानी साइलेंट फिल्मों से, जब टॉकीज बननी शुरू हुई उस दौर से रहे और बहुत बाद तक काम करते रहे, नमन है आपको। हेमचंद प्रकाश जी जो कि बहुत कम समय उनका हमें मिल पाया, क्रिएटिव जर्नी उनकी बहुत शॉर्ट रही, लेकिन महल नाम की फिल्म तो हम नहीं भूल सकते, आएगा आने वाला, लता मंगेशकर के ऑल टाइम फेवरेट्स में से, और मेरे ख्याल हम सब के लिए भी बहुत दिल के करीब उनकी क्रिएशंस हैं हेमचंद प्रकाश जी की। और बहुत शुक्रिया हेमचंद प्रकाश जी, नमन है आपको। गुरुदेव जिनको हम गुरुदेव के नाम से पूरा देश और विश्व जानता है, उन्हें हम नमन करते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी पुण्यतिथि 7 अगस्त को है, और गुरुदेव के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के ही समान होगा। कला के हर क्षेत्र में, साहित्य में, संगीत में, काव्य में, और शिक्षा के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, कहानियों में, उपन्यास में, गुरुदेव ने कुछ भी तो नहीं अछूता छोड़ा, और इतना मौलिक और इतना गहन योगदान है उनका कि हम उनके
उनके कंट्रीब्यूशन से जीवन के लगभग हर अंश को संपर्क पाते हैं। नमन है आपको जी, मैं आभारी हूँ जी। गुरुदत्त जी पे हमें आना है बिल्कुल। और जी ओम प्रकाश जी, अनदर वन ऑफ वेरी 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 सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स हु हैड द फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द ऑडियंस। 7 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है। और जे ओम प्रकाश, मोहन कुमार, मोहन सहगल, ये एक बहुत प्यारा सा एक दौर था जब इन सब ने मिलके हमें पारिवारिक ऐसी फिल्में दी जिन्होंने हमें बहुत कमाल का गीत संगीत भी दिया। एंटरटेनर्स थे, मेलोड्रामास थे जिनको पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता था। और ऐसे ऐसे फिल्मकार को नमन है। हम चाहेंगे कि जे ओम प्रकाश साहब पे बहुत जल्दी कार्यक्रम करें, पर एज मच कैन बी डन, उसकी सीमाएं हैं, एक हफ्ते में जितना कुछ हो सकता है। और जी नवंकुर सेन साहब कह रहे हैं कि एज पर बंगाली कैलेंडर आज ही 22वां श्रावण है, सो पुण्यतिथि ऑफ गुरुदेव टैगोर। नमन आपको गुरुदेव। और ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी के बारे में आप जानते ही होंगे, अन्यथा और भी बहुत सारे परिचय हैं उनके बारे में देने को। उनका संबंध रोशन परिवार से भी है और राकेश ओम प्रकाश मेहरा उनके बेटे हैं और उन्होंने जो जो फिल्में बनाई हैं, अगर आप अ से यानी अ के नाम से 70s की 60s की कोई भी फिल्म को याद करें तो या तो जय ओम प्रकाश ने बनाई होगी या मोहन कुमार ने बनाई होगी। आई कंसिडर देम द हिट फैक्ट्रीज। ये लोग हिट्स देने में बिलीव करते थे, अ से फिल्में बनाते थे और फिर इनके दामाद ने बाद में का से फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो ये कुछ ऐसी थोड़ा सा लाइट ट्रिविया मैंने चाहा आपसे साझा करें। सुरेश वाडकर जी का जन्म की जन्मतिथि है 7 अगस्त। अद्भुत गायक, बहुत गहरी ठहरी हुई आवाज के धनी, शास्त्रीय संगीत में निपुण और अ वंडरफुल पर्सन ऑल्सो। नमन है आपको, बहुत शुभकामनाएं। और किशोर कुमार जी, 4 अगस्त को जिनका जन्मदिन, पिछले 2-3 संस्करण से उन्हें याद कर रहे हैं। इतने महान कलाकार की आसानी से हम एक बार हमारे डाइजेस्ट में किशोर जी, किशोरदा का पदार्पण हुआ है तो मेरे से टीम हर बार पूछती है किशोरदा, तो मैं कहता हूँ भाई एक बार और इनको याद करते हैं इस बार, क्योंकि किशोरदा को तो जितना भी याद किया जाए कम है, ऐसी आवाज शायद सदियों में नहीं बनती है। नमन है आपको। शकील बदायनी साहब 3 अगस्त को उनकी जयंती, बहुत मीठे, बहुत बहुत ही सुरीले गीत उन्होंने हमें दिए, मोहब्बत के गीत, दर्द के गीत, जिंदगी के गीत। और बहुत प्यारी बात यह है कि दिल और दिल की दुनिया के अलावा वो कहीं गए नहीं, ना उन्होंने सामाजिक सरोकार कोई रखे अपने गीतों में, ना कोई राजनीतिक सरोकार रखे जैसे कि उनके समय के बाकी सब शायरों के थे। सो ही लिमिटेड हिमसेल्फ टू लव एंड द बिजनेस ऑफ हार्ट एंड विच इज वंडरफुल। तो शकील साहब के हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं और मैं चाहूंगा कि जल्दी ही शकील साहब के किसी न किसी पक्ष पे हम जरूर वापस लौटें और कुछ कार्यक्रम करें। मेरे मन में बहुत कुछ है। जयदेव जी पे जिनका कि 3 अगस्त जन्म दिवस जयंती का दिन है, आज हम उनको नमन कर रहे हैं और उन पर हमने आज अपना श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम किया है। भगवान दास पूरे हिंदुस्तान को थिरकना नाचना सिखाने वाले और अद्भुत एंटरटेनर। 1 अगस्त अलबेला को हम कैसे भूल सकते हैं, आपको याद करते हैं। अली सरदार जाफरी साहब उर्दू साहित्य में, अदब में, शायरी क्षेत्र में बहुत सम्मानित नाम, और खुद शायर होने के अलावा उनका एक बहुत कमाल का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। पहेली का सवाल है, उन्होंने क्या गहरा काम किया है अपनी शायरी के अलावा उर्दू अदब के डोमेन में, अगर आप बता सके तो अच्छा लगेगा, वरना मैं आपको अगले संस्करण में इसका उत्तर देता हूँ। ही हैज़ लेबर्ड अ लॉट ऑन
क्यूरेटिंग एंड कंपाइलिंग क्लासिक वर्क्स, तो अगर आप इस हिंट को लेकर के इस पहेली का उत्तर दे सके तो अली सरदार जाफरी जी के बारे में थोड़ा और आप जान पाएंगे। मीना कुमारी जी, अगस्त, पहली अगस्त को वन ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड अमेजिंग सब्लाइम एक्टिंग टैलेंट, हम मीना कुमारी जी को नमन करते हैं। ट्रेलर में जितने भी अभी आपने चिरागा में जितने महानुभाव जितने लेजेंड्स को देखा उन सभी पे मन होता है मैं जल्दी से जल्दी कार्यक्रम कर सकूं, जो जो बन सकेगा, कुछ तो हैं पीछे से कुछ प्रयास चल रहे हैं। आज हमने जयदेव जी को याद किया, जयदेव जी पे पार्ट टू मैंने अनाउंस कर दिया था प्रोग्राम के बीच में, तो मेरी टीम ने जल्दी से पोस्टर भी क्रिएट कर दिया, लीजिए। तो वाकई में अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, और मैं चाहूंगा ये गीत इसकी बानगी टीम जरूर प्ले कर दे जैसे ही हम विरासत या अभी प्ले कर दीजिए, तो ये गीत हम सुनना चाहेंगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा तो सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम दोनों, मेरे ख्याल में हम सभी के दिल के बहुत करीब फिल्म रही होगी, और ये गीत तो सबके लिए ऐसा लगता है जैसे अपना ही गीत है। सो कैन वी हैव इट राइट नाउ? जी दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल जरा बहक तोले ये शाम ढल तोले जरा ये शाम ढल तोले जरा ये दिल संभल तोले जरा मैं थोड़ी देर जी तोलू नशे के घूंट भी तोलू नशे के घूंट पी तोलू अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं जो रोज यूं ही जाओगे तो किस
फकीर की राह में, जवान दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। दिल अभी भरा नहीं, ये दिल कब भरेगा साहब? आपका आदेश हुआ साथियों का तो ये गाना हमने पूरा सुना, लेकिन यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी भरा नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है, जैसा कि शशिकांत जी भी कह रहे हैं, अनूप गडोडिया जी भी कह रहे हैं और विनय जी भी कह रहे हैं कि इस रचना से, ऐसे गीतों से और विशेषकर इस रचना से कभी दिल नहीं भरता। इसे आप कितनी भी बार सुन सकते हैं और जब कभी कहीं से उठने का मौका हो या कोई उठ के जाने की बात करे तो यही गीत बरबस जबान पे आ जाता है। 50-60-70 साल हो गए हैं इन गीतों को, लेकिन इनकी चमक, इनकी ऊर्जा अभी भी वहीं की वहीं कायम है। और हम लौटते हैं जयदेव जी के पास, बहुत जल्दी लौटेंगे और बहुत सारी और बातें हैं उनके बारे में करनी है। मैं आभारी हूँ आप सबका जिन्होंने मुझे आदेश दिए हैं। गुरुदत्त जी पे आप कह रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, बिमल रॉय पे आप कह रहे हैं और सलील चौधरी पे, तीनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पिछले कर्टन रिजर्व्स में मैंने इनका नाम भी लिया है, पर फिर वही बात है, एक महीने में 4 ही हफ्ते होते हैं, उतना ही कुछ कवर हो सकता है, पर बहुत जल्दी हम इनके पास पहुँचते हैं। तो एनी जी, सुल्तान साहब और अनूप जी, अनुज जी और किन्होंने मुझे आदेश दिया है जी, आप सबने, जिन्होंने मुझे कहा है कि इन कलाकारों पे, इन लेजेंड्स पे प्रोग्राम करना है, सर आँखों पे ज़रूर करते हैं। और इस गीत के बाद तो अब यही है कि जयदेव जी की स्मृति को नमन करते हुए हम ये आपसे आगे और निवेदन ही करना चाहेंगे कि और जिन लेजेंड्स पे हम कार्यक्रम करना चाहेंगे जो मेरे दिल के करीब हैं और जिन पे की मन है काफ़ी समय से, जैसे मदन मोहन जी पे पिछले, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 1.5-2 महीने से जब से उनकी दोनों तिथियां हुई हैं हम कार्यक्रम कर सकें, तो ऐसे ही रवि जी को भी हम याद करना चाहेंगे और शकील बदायनी साहब, दे आर ऑल वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई को उनकी जन्मतिथि जयंती रही है। और साहित्य पे मैं चाहता हूँ आप सब लौटें, लेकिन फिर वही है कि साहित्य के नाम एक इतवार चला गया तो फिल्मों को नहीं हम टच कर पाएंगे। तो मैं सच में नहीं जानता हूँ आप में से कितने लोग साहित्य के लिए आना पसंद करेंगे, ये जवाब रहे, ऐसा फीडबैक रहे तो मैं चाहूँगा। ये प्रेमचंद जी का जो चित्र है आप में से कई साथी जानते हैं, मेरे अपने हाथ का बनाया हुआ है, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, पीछे भी आप इसको लगा हुआ देख रहे हैं और भी जो पीछे आप कलाकारी देखते हैं वो मैं ऐसे बैठे बैठे कुछ खेलता रहता हूँ कागज़ पे कलम से और ब्रश से। तो वातायन में कोशिश ये रहती है कि आप से कुछ ना कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हम करें कि आप इस हफ्ते में कुछ ऐसा देखें, कुछ ऐसा सुने, कुछ ऐसा महसूस करें नया। तो नया दौर फिल्म को देखिएगा और ये इस फिल्म की हम बात कर चुके हैं और शायद बहुत जल्दी किसी दिन इसको मैं उठा सकूं आपके साथ, उससे पहले आप देख चुके होंगे एक नई नज़र से तो मज़ा आएगा। और पुस्तक में एक बहुत प्यारी पुस्तक है, अंग्रेजी में है, द एडवेंचर्स ऑफ अ रिलक्टेंट मसाया, आप में से बहुतों ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, इल्यूजन्स बाय रिचर्ड बाक। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल रिचर्ड बाक की पहली पुस्तक थी, एक सीगल की, एक पक्षी की एक अपनी ही अंतर यात्रा और संघर्ष भरी गाथा का एक बहुत प्यारा सा दस्तावेज है वो, और उसके बाद वो इल्यूजन्स लिखते हैं। तो अगर आप दोनों में से कोई भी पुस्तक पढ़ना चाहें, पहले आप
जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पढ़ना चाहे तो वो पढ़ें, पर ये पुस्तक जो पीछे पीछे जो जो रिकमेंडेशंस रही हैं अगर आप पढ़ लेते हैं तो अब जब हम ओपन हाउस में बैठेंगे यानी बैठक में रियल टाइम बैठक में जब हम बात करेंगे एक दूसरे से तो बताइएगा आपको कौन सी पुस्तक में कौन सी फिल्म में क्या मिला कैसा लगा वो भी थोड़ा हम सुनना चाहेंगे एक दूसरे से जाने। जेन स्टोरी में एक एक बहुत गहरी जेन स्टोरी है क्योंकि आज जयदेव जी की बात हो रही है तो जयदेव जी में जो गहराई और जो ठहराव था कुछ ऐसा ही कोई एक राजा बहुत युवा रहा होगा जब वो राजा बनने से पहले तो उसके मन में ये हुआ कि मैं जेन मास्टर जो पहाड़ी पर रहते हैं जंगल में उनके पास जाऊं और कुछ शिक्षा ग्रहण करके आऊं उसके बाद ही मैं राजपाट संभालूं और तब तक तो मेरे पिता हैं बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो लोग संभाल रहे हैं। और वो जब पहुंचते हैं जेन मास्टर के पास तो वो उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझे लगता है ऐसे ही किसी दिन जयदेव भी पहुंचे होंगे बाबा के पास और अली अकबर खान साहब के पास और जब उन्होंने अपने आप को कहा होगा कि भई आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें तो जेन मास्टर्स कम बोलते हैं और कम बोलने के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो उन्होंने उनको डिस्करेज किया कि देखिए आप राजा के राजकुमार हैं राजा के घर से आए हैं तो आसान नहीं होगा आपके लिए मेरी बातों को मान पाना, लेकिन एक बार आप अगर यहाँ कमिट कर लेते हैं अपने आप को तो देर आर नो क्वेश्चंस देर इज नो टर्निंग बैक। सो ही सेज आई एम टोटली कमिटेड कम व्हाट मे एंड तो कहते हैं अगर ऐसा है तो 12 साल के लिए जंगल में जाइए, जंगल में जाइए और लौट के बताइए कि आपने क्या क्या सुना। बस दिस इज द ब्रीफ गिवन टू हिम और वो युवा जंगल में चले जाते हैं और 12 साल तक वो जंगल में समय बिताते हैं और बहुत कुछ सुनते हैं बहुत कुछ नोट करते हैं। एंड व्हेन ही कम्स बैक एंड टचेस द फीट ऑफ द मास्टर एंड सिट्स इन ओबीजेंस विद ऑल रिस्पेक्ट, जब जेन मास्टर को वक्त होता है तो बताते हैं पूछते हैं कि बताइए आपने क्या सुना कि मैंने बादलों का गर्जन सुना मैंने शेर की दहाड़ सुनी मैंने हाथियों का की चिंगाड़ सुनी ऐसे करके बहुत सारे साउंड्स जो उन्होंने सुने होते थे वो बताते हैं। तो जेन मास्टर सारा कुछ सुनते हैं कहते हैं 12 साल के लिए और जाइए जंगल में अभी आपको और बहुत कुछ सुनना है। इफ एंड बट तो कर नहीं सकते थे गुरु के सामने। 12 साल बाद जब वो लौटते हैं अब जब उनका बोलने का समय आता है तो जेन मास्टर पूछते हैं अब आपने क्या सुना। कहते मैंने कल बहता हुआ झरना सुना रात के समय छोटे छोटे कीड़ों की और झींगुरों की आवाज़ सुनी मैंने कीट पतंगों के उड़ने के समय जो आवाज़ होती है उसको नोटिस किया और भी बहुत सारी आवाज़ें वो बताते हैं। तो जेन मास्टर कहते हैं अच्छा है आपको 12 साल और लगाने पड़ेंगे, याद रखिएगा 24 साल वो अपने जीवन के लगा चुके हैं। He goes back for another 12 years. अब की बार और 12 साल हम तो कहानी सुन रहे हैं और सुना रहे हैं तो 12 साल हम ऐसे बहुत जल्दी से गुजार देते हैं। 12 साल एक इंसान जंगल में रहेगा क्या बीतती होगी उस पर। हम अपने पौराणिक गाथाओं में अपने महाकाव्यों में भी 14 साल का वनवास सुनते हैं। अब की बार जब वो लौटते हैं तो चुप बैठे रहते हैं। जेन मास्टर पूछते हैं क्या। बहुत समय के बाद वो यही कहते हैं कि मास्टर आई हर्ड द साइलेंस दिस टाइम, मैंने खामोशी को सुना। जेन मास्टर उठते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं अब तुम्हारी भाषा में और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में तुम्हारी ऊर्जा में तीनों में वो ठहराव और वो ग्रोथ तो आ गया है वो प्रोफाउंड क्वालिटी आ गई है दैट नाउ यू कैन बी द किंग, समबडी हु कैन अंडरस्टैंड एंड लिसन टू द साइलेंस एंड फील इट्स वैल्यू एंड वैल्यू इट इन हिज सोल एंड हार्ट हैज अराइव्ड एंड कहते अब जाके तुम राजपाट संभाल सकते हो। तो ये मैं जन स्टोरी आज जयदेव जी को समर्पित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। बताइएगा ये कैसी लगी और ये हमारा जो डाइजेस्ट है
विरासत डाइजेस्ट, ये प्रयास भी आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, एटलीस्ट इसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी आप जो पहेलियों के सवाल तो आप देते ही रहे जवाब। नेचर की हम बात आपसे जरूर करते हैं कि आप प्रकृति में किसी न किसी तरह से वापस जाने का प्रयास करें। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि आप 10,000 स्टेप्स चलें और जितना भी आप चल सके बताइए, हरियाली में पौधों के साथ, पेड़ पक्षियों के साथ और खुले आकाश के नीचे अलॉन्ग विद द फाइव एलिमेंट्स स्पेंडिंग टाइम कैसा लगता है आपको, कम से कम आधा घंटा तो निकालिए। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कुछ नहीं तो प्राणायाम तो शुरू कर सकते हैं। और 20-25 मिनट का काम है, तकरीबन अगर कहें तो 8-9 तरीके के प्राणायाम हैं, पर फिर भी आप बहुत मूलभूत जो बेसिक वाले प्राणायाम हैं उन्हीं को शुरू कर लें। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो तकरीबन 9 अलग अलग तरीके के प्राणायाम हैं जिनको कि नियम से करने का एक बहुत प्यार भरा अभ्यास है, और उनके बारे में हम बात कर सकते हैं जब भी आप चाहें। पर प्राणायाम से आपके शरीर का, मन का और चेतना का, यानी सोल का, माइंड बॉडी सोल तीनों का ही बहुत अद्भुत तरीके से एक समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, जिसे हम योग कहते हैं, वो अपना बहुत कमाल का रोल प्ले करता है आपके जीवन में। हास्य में आज हमने जो बात करी कि कविता को लेकर के संगीत बनाना, यानी कवित लिखी हुई शायरी पे धुन बनाना या धुन पे कविता लिखवाना, शायरी लिखवाना, ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट चलते रहे हैं। तो एक स्कूल का बहुत प्यारा सा किस्सा है, और गांव का स्कूल है और गणित की क्लास है। आप जानते ही हैं कि हम सभी के लिए, शायद बच्चों के लिए और मेजॉरिटी बच्चों के लिए, गणित एक मुश्किल विषय होता है। तो मास्टर जी ने कहा है कि पहाड़ा याद करके आना है, पहाड़ा यानी टेबल, हिंदी में हम उसे पहाड़ा बोलते हैं। तो अब जब क्लास के सबसे होनहार, और मैं टंग इन चीक बोल रहा हूँ, होनहार यानी सबसे शरारती बच्चे का मौका आता है, मास्टर जी कहते हैं तुम पहले सुनाओगे पहाड़ा, और वो चुनता है, कहता मास्टर जी मैं दो का पहाड़ा सुना दूं, मास्टर कहते चल दो का ही सुना, दो का पहाड़ा सबसे आसान। अब वो खड़ा होता है सब, कहता मास्टर जी दो एकम दो, दो दुनी ढन ढन ढन, दो तिया ढन ढन ढन, दो चक्कू ढन ढन ढन। मास्टर जी सोचते हैं अब कुछ बोलेगा, दो पंजे ढन ढन, पूछते ढन 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 क्या है, मास्टर जी आज आप धुन सुन लो, बोल मैं कल सुना दूंगा आपको। तो धुन और बोल का ये अंतर संबंध होता है, गणित में भी लागू होता है। यूं ही कोई मिल गया था, सरे रहा हंसते हंसते। तो हंसी के इस नोट पे, ऑन दिस लाफ्टर नोट, लेट्स एंड दिस विरासत डाइजेस्ट। स्लेट में आप अपने जवाब देते रहिएगा, यानी चैट बॉक्स में, सभी पहेलियों के। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर हमें दे सकते हैं अगर आप नए हैं, और नहीं तो आप हमारे नंबर्स नोट कर सकते हैं हमारे शोज के इंटीमेशन के लिए, 9316283942, या दूसरा नंबर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फेसबुक पे भी, यहाँ जूम पे भी, और फेसबुक के साथ ही जो अब हमारी बैठक में यानी ओपन हाउस में शामिल होना चाहें उनका स्वागत है, क्योंकि अब हम फेसबुक की स्ट्रीमिंग भी रोकने जा रहे हैं, और जो बाद में YouTube के लिए रिकॉर्डिंग है उसको भी हम बंद करेंगे। और वी विल नाउ बी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर विद द लविंग अनाउंसमेंट दैट वी विल बी कमिंग बैक टू जयदेव, जयदेव म्यूजिक एंड द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ जयदेव वंस अगेन इन द कमिंग वीक। यू विल गेट द इंटीमेशन अकॉर्डिंगली। तो विरासत डाइजेस्ट का ये 24वां अंक आपको समर्पित करते हुए हमें बहुत खुशी हुई। आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइएगा, और जब आप बोलें तो बताइएगा। विद दैट आई फॉर्मली ब्रिंग दिस शो टू एन एंड। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और अभिनंदन आप सब।